लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज देश में जो लोग बड़े आदमी नहीं बन पा रहे हैं वो नए जमाने के लाइफस्टाइल के बारे में ही सोचते रहते हैं। कॉर्पोरेट कंपनी में काम, बड़ी तनख्वाह, कार, बंगला, गर्लफ्रेंड, डिस्को में मौज मस्ती करते हैं। ये दिखने में भले ही स्वर्ग लगे लेकिन इसके पीछे के दुख बहुत गहरे होते हैं। लेकिन मिडिल एज वाले ये समझ नहीं पाते हैं। बेचारे वो सोचते हैं कि वो इस तरह की जिंदगी नहीं जी सके, पछतावे की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हीं के लिए एक छोटा सा सबक इस फिल्म में दिखाया गया है। के साथ देखो हसीनों का है मेरा, मेरे चारों मेरी चाहत पाने की इन सब में है लहरी। मस्ती में झूमू मैं सुनता जा दीवाने, मौसम की है ये मौजे। हेलो हेलो मेरी जान, दिल चुरा के कहां तू चला रे। स्टाइल पर न जाओ, खाने को तुम होटल आओ, झूमेंगे नाचेंगे साथ मिलजुल के। मस्ती में है दुनिया सारी, लगी इश्क की बीमारी, मैं भी हुस्न का शिकारी, बोल तू क्या बोले। इश्क का तो जादूगर चुरा के कहां तू चला रे। हेलो 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 मेरी जान, फ्रेंडली फ्रेंडली हसीनों के साथ। इश्क की करता हूँ बॉलिंग, लड़की बन जाती है डार्लिंग, इनको कैसे मैं संभालूं, बोलो व्हाट टू डू। इस सेल से हूँ परेशान, मिस्ड कॉलों की है वर्षा, करूँ किसका रिसीव कॉल, व्हाट टू डू। फिक्स कर दे फोन पे डेटिंग, जिसको कॉल करूं जानी,
चूरा की कहत चला रे। हेलो 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 मेरी जान, फ्रेंडली फ्रेंडली हसीनों के साथ, देखो हसीनों का है मेरा मेरे चारों, मेरी चाहत पाने की इन सब में है लहर। मस्ती में झूमूं मैं सुनता जा दीवाने, मौसम की है ये मौजे। हेलो हेलो मेरी जान, ये चूरा की कहत चला रे। हेलो हेलो मेरी जान, ये चूरा की कहत चला। अरे सुनिए ना, क्यों पिताजी, जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो बुद्धि भी बढ़ती है ना। एक आपका बेटा है जो बच्चों की तरह रंगीन सपने देखकर बेदुखी हरकतें करते रहते हैं, कम से कम आप तो उन्हें समझाइए ना। तूने बोल दिया ना, अब देखना मैं क्या करता हूँ। तेरी खाल खींच डालूंगा साले। इंस्पेक्टर बाबू स्पीकिंग। अबे उल्लू के पट्टे, तूने हिसाब से पैसे लिए ना तो अच्छे चावल क्यों नहीं दिए? अरे सारे चावल पिस पिस हो गए। क्या चावल? ओए मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। अपने बेटे से बोलकर तेरी दुकान बंद करवा दूंगा, देख लेना। ये बात है, तू जरा अपना एड्रेस तो बता, वही आकर तुम बाप बेटे की खटिया खड़ी करता हूँ। जो बात मैं तुझसे बोल रहा हूँ पहले तो उसका जवाब देना। अबे येड़े कहीं के पुलिस वाले को फोन करके पुलिस को ही धमका रहा है। अबे फालतू की बात क्यों कर रहा है? अरे क्या करें पिताजी, आप किसको डांट रहे हैं? मैंने आपके बेटे के बारे में बताया और आप पता नहीं किसको डांट रहे हैं। कान की मशीन भी ला कर दी, उसे ना पहन कर हमारी जान खा रही है। क्या हुआ, अकेले अकेले बड़बड़ा रही है? जब पति रंगीन सपने देख रहा हो तो पत्नी बड़बड़ाएगी नहीं तो और क्या करेगी। अरे अभी आई, क्या हुआ? कल नए कपड़े लाकर यहाँ रखे थे, कहाँ गए, तुमने देखा क्या? हाँ मुझे तो बस यही काम रह गया है कि तेरे कपड़े देखती रहूँ। ठीक से देख यही होंगे। सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या हुआ? अरे आप चिल्लाए क्यों? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे रे कहाँ हो? 9 बज गए हैं, ऑफिस नहीं निकलना है क्या? अभी तक क्या कर रही हो? अरे क्यों चिल्ला रहे हो, दोपहर का लंच तैयार करना पड़ता है ना। क्या है, लार क्यों टपका रहे हो? लार नहीं टपका रहा, मजे ले रहा हूँ। तुम जब भी बंठन कर मेरे सामने आती हो ना, आती हूँ तो हम दिल दे चुके सनम के ऐश्वर्या राय जैसी दिखती हो। और आप भी तो उसी फिल्म के सलमान खान की तरह एकदम हैंडसम लगते हो। लेकिन इतने से कम हो। अरे इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? ऑफिस की लगी देर हो गई है। देखो सुब्बू, सुब्बू सुब्बू रुको। सुब्बू कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम जल्दी क्यों नहीं आए हैं? सॉरी बच्चों, मेरी वजह से आज लेट हो गए, लेकिन मेरे सुब्बू को कोई डांटना नहीं है, कल जल्दी आ जाएगा वो। ठीक है तुम चलो, ऑफिस का टाइम हाँ, हो रहा दीजिए। है मेरे हीरोइन। अच्छा तो मैं चलूं? चलो चलो चलो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तू भी आ तू भी आ, चल चल। ये नहीं सुधरेगा। ये लो आ गया। आजा आजा, क्यों यार इतनी देर क्यों? थोड़ा एडजस्ट कर लो सेठ जी, तनख्वाह आते ही सबसे पहले तुम्हारा उधार चुका दूंगा। हैं? ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। इसका कर्जा पता नहीं कब उतरेगा। सिटी सेंटर घूमने गए हैं ना, और कहा होगा जल्दी आ जाएंगे, इतनी जल्दी कहाँ से आएंगे, वो हम लोगों को उल्लू बना के गए हैं। आने दो उनकी खबर लूंगा। कौन है भाई? हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या बात है, सब लोग यहीं जमा हो रखे हो, आज ऑफिस नहीं जा रहे हो?
अंकल आज तो संडे है ना। भूल गया। बाइक तो बहुत सॉलिड है। नहीं है, किसकी है? मेरी अंकल। हाँ? US मेड। ओहो, इंपोर्टेड है, इसीलिए इतनी बढ़िया है। हेलो अंकल। क्या हुआ? ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कॉलोनी में एक छोटा सा राउंड। आप हाँ? इस गाड़ी पे क्यों बेकार हाँ? में कॉमेडी कर रहे हैं? इसे क्या अपना खटारा स्कूटर समझा है? फॉरेन बाइक है, एक्सीलेटर छूते ही 100 किलोमीटर पे भागती है। अपनी उम्र के हिसाब से सोचिए ना। बात बात में बीच में उम्र को ले। शालिनी कहाँ हो, पहुँच गई? ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुँचता हूँ। बाय अंकल। लड़की के बुलाते ही 9-11 लाल टपकाते। क्या हुआ महादेव, बच्चों से लिफ्ट मांगी तो क्या उन्होंने मना कर दिया? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी बाइक पर लिफ्ट देता हूँ। आ जाओ मेरे पीछे बैठ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो, मैं तुम्हें कहीं गिरा ना दूँ यही सोच रहे हो ना? तो ठीक है, बाइक तुम चला लो। चलाओ ना। अरे चलाओ। सुब्बू क्या है? चलो गाड़ी चलाओ। ठीक है। सॉरी महादेव, सीट फुल हो गई है। मैं पहले बच्चे को ले जाकर छोड़ूंगा, उसके बाद तुम्हें आकर पिकअप कर लूंगा। ठीक है ठीक है। चलो 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 चलो। ये भी बंदर का बंदर है। क्या हुआ, हीरो बन रहा है? चाकू नीचे फेंक। ए, मार दूंगा। अबे नीचे फेंक ना। ए, मार दूंगा। बोल रही हूँ ना फेंक। अरे इसका तो निकल गया। अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, दूंगी ये खींच के। मारो, खींच के मारो इसे। कल तक ये लावारिस मंदिर के सामने भीख मांग रहा था, आज चोरी करके ऊपर से चाकू दिखाता है। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा क्यों? इसे अगर पढ़ाओगे लिखाओगे तो वो भी अच्छी बात है। तुम तो खाते पीते घर के लगते हो, तुम ही पढ़ाओ ना। उस आदमी की शक्ल देखने जैसी थी, अब आइंदा कभी किसी को कुछ नहीं बोलेगा बेचारा। अरे जाओ ना, कभी कभी बोलना पड़ता है। अच्छा मैं ऑफिस देर से पहुंचूंगी, तो संभाल लेना। हाँ? तेरे माँ बाप नहीं है तू ऐसा बिल्कुल मत सोचना। यहाँ जितने भी हैं सब तेरे ही जैसे हैं। तुझे यहाँ खाना, कपड़े, पढ़ाई सभी कुछ मिलेगा। अब अपना भविष्य बनाना तेरे ही हाथों में है, समझ गया ना? इतना बहुत है, थैंक्स दीदी। ठीक है ठीक है ठीक है, जा। बाय दीदी। गुड लक। अभी तक तुमने ऐसे 25 बच्चों को भर्ती करा दिया है, अगर ऐसे ही तुम अपनी सारी कमाई इन पर खर्च करोगी तो अपने घर के लिए क्या बचा पाओगी? मेरे परिवार में मैं और मेरी माँ है, मैं उन्हें जितने भी पैसे भेजती हूँ उसमें वो बहुत खुश है। अपने लिए और हॉस्टल की फीस के लिए अपनी तनख्वाह में से थोड़ा बहुत निकाल लेती हूँ, जो बचता है वही तो इन पर खर्च करती हूँ। फिर भी तुम्हारी भी तो शादी होगी, तुम्हें अपने भविष्य के लिए भी थोड़ा बहुत जमा करके रखना होगा ना? वो तो हो जाएगा, एक बार जमा करने की आदत पड़ गई ना तो फिर दूसरों पर खर्च करने की इच्छा मन से निकल जाएगी मैम। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ठीक है। क्या कहा सर? अरे छोड़ ना। क्यों री, ऐसा क्या हुआ? अरे ये एक नंबर का कमीना है। फिल्म कहाँ देखने दी? इसका पासवर्ड मैं याद रखूं क्या? तू याद रखना। हाय। हाय। मेरे लिए नहीं है क्या? सर सीओ सब आ गए हैं। ओ अभी आता हूँ। यार डार्लिंग, अगले महीने से हांगकांग, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया फॉरेन विजिट रहेंगी। उससे पहले ECR का कंस्ट्रक्शन, पुराने घर का रेनोवेशन, ये सारे काम खत्म करने हैं, उसी का थोड़ा टेंशन है। बट यू डोंट वरी डार्लिंग, एज पर शेड्यूल टुडे इवनिंग होटल ताज में तुम्हारे साथ डिनर है। ओके बाय। बोलिए। आप 1 करोड़ की पॉलिसी लेने वाले हैं, एजेंट ने बताया। उसका वार्षिक प्रीमियम 5 लाख होगा, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी रकम भर पाऊंगा या नहीं यही सोच रहे ना? मेरी एनुअल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, उसमें से 5 लाख देना कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट, दिस इज माय इनकम प्रूफ, दिस इज माय बैंक स्टेटमेंट एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा भी अगर कुछ यस यस डार्लिंग, अगले महीने US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर फॉरेन टूर्स लगने वाले हैं।
उससे पहले ECR फ्लैट कंस्ट्रक्शन, पुराने घरों का रिनोवेशन और बहुत सी परचेसिंग, ये सब खत्म करने का टेंशन है। लेकिन एज पर शेड्यूल आज रात का डिनर तुम्हारे साथ ताज में होगा। या बाय, सी यू सून। यस बोलिए। आपके साइन चाहिए सर। हाँ बोलिए। इसमें आपके साइन चाहिए सर। मैं इतनी देर से पुकार रहा हूँ कि साइन करो साइन करो, और आप है कि तब से बोलिए 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 यही बोले जा रहे हैं। रख के जाओ, मैं करके रखता हूँ। शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं, नाम के लिए ऑफिसर बने हुए हैं। तो बहुत बढ़िया था। महादेव। हाँ बोलना। एक खुशखबरी है। कैसी? मुझे गांधीनगर के ब्रांच में सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट में प्रमोट किया है। अरे एक और ले लो ना, तुम्हें शुगर थोड़ी है। बस बस बस। अच्छा, शाम को रंजीत होटल में दारू की पार्टी रखी है, भूलना मत, आ जाना। दारू की पार्टी, वेरी गुड, रखनी चाहिए। वैसे कृष्ण स्वामी, तुम्हारा इस प्रमोशन से हर महीने का इंक्रीमेंट क्या होगा? इस महीने के बाद अगले महीने से 1,500 रूपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1,500 रूपए? अरे बाप रे, तो इन 1,500 रूपए से तो कार खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, जिंदगी की सारी खुशियां पा सकते हैं ना? एक दो मिनट बैठना, थोड़ी देर के लिए। ये जो नई IT कंपनी खुली है, वहाँ से पॉलिसी लेने के लिए वहाँ के स्टाफ की लिस्ट आई है। ये देख, तेरी सर्विस और इसकी उम्र एक ही है। पगार कितनी है पता है? 1,22,000 रूपए, वो भी साल की नहीं महीने की। इसका थोबड़ा देख, इसकी कितनी है पता है? 68,000 रूपए महीने की पगार। इस लड़की को देख, लगता है अभी अभी स्कूल चाहिए। महीने की पगार 62,370 रूपए। ये लोग पगार में नोटों की गड्डियां लेते हैं, स्टार होटल में खाते हैं, दारू की पार्टी करते हैं। 1,500 के इंक्रीमेंट के लिए पार्टी करना जरूरी है क्या? इसने तो दिमाग ही खराब कर दिया। क्या हुआ अरविंद, वेकेशन के लिए मलेशिया गया था, वहीं सेटल हो गया क्या? तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा बेटा, कब लौटेगा? सॉरी डैड, मुझे इंडिया के सीनियर ब्रांच में CEO बनाकर प्रमोट कर दिया गया है, मैं बस चेन्नई के लिए लौट ही रहा हूँ। तू सच कह रहा है? तो ये बात मैं अपने भैया महादेव से बता दूं क्या? अरे नहीं मॉम, मुझे तो उन्होंने बचपन में देखा था, अब कहाँ पहचान पाएंगे। टाइम मिलते ही मैं खुद उनसे मिलने चला जाऊंगा। ओके बाय। Thanks. Hey, thanks guys. Thank you so much. Thank you. Hey, thanks. Thanks a lot. Hey, Manoj Kumar, हमारा नया CEO बहुत ही handsome है ना? मेरा friend जो है। लेकिन वो airport पे तुम्हारा इतना close friend कैसे बन गया? Very simple. एक बुद्धिशाली को बुद्धिशाली तो पसंद आएगा। तो तुम कैसे पसंद आए? और क्या? ऐसे? Hey, हटना। सब लोग देख रहे हैं। Oh, you are very handsome. Thanks, thanks. Hey, Manoj Kumar. आज हमारे फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई है, और ये फ्रेंडशिप हमेशा बनी रहे तो हमें इसी तरह फ्रेंड्स बनकर रहना होगा। ओके ओके। ये क्या अरविंद, मुझ जैसे हाई क्लास से फ्रेंडशिप रखो तो ठीक है, इन सबको किस लिए बनाया? ये सारे लोकल हैं यार, मेरे जैसे हाई क्लास नहीं है, ये सब मॉडर्न ड्रेस में लोकल हैं। ए वंटन, लोकल किसको बोल रहे, घुसेड़ दूंगी। देख लिया, प्रूव हो गया ना। अच्छा ये बता, ये वंटन क्या है, निकनेम है? वो दरअसल मैं बताती हूँ, वो मनोज कुमार का बैंक बैलेंस है। बोल दिया, इसी तरह से बोल बोलकर सब में आग लगाती रहना, मुंह बंद करो और काम करो। ये सब मेरे बाप ने किया, मुझसे पहले 8 लड़कियों को जन्म दिया, उनकी शादी कराने के लिए लोन लिया और मेरे सिर पर बांध के स्वर्ग सिधार गया। लोन भर भर के मेरा अकाउंट 110 रूपए से ज्यादा बढ़ता ही नहीं है, पता नहीं इसका कहाँ से इन्हें पता चल गया, और मेरे पास आकर मुझे भैया बनाकर चली जाती है, मेरा तो दिल जलता है यार। वेलकम सर। हे सिंगल रोज, ब्यूटीफुल, ये भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है।
मैं सब समझता हूँ. थैंक यू. एक्सक्यूज मी मिस प्रिया सर. नो सर, तुम मुझे नाम लेके भी बुला सकती हो. इस स्वीट रोज के लिए मेरा स्वीट कॉम्प्लीमेंट. थैंक्स. यू आर वेलकम. वाओ, क्या वाओ. मुंह बंद कर और अपना काम कर, मक्खी घुस जाएगी. अच्छा, तुमने न फंसने वाली मछली प्रिया को फूल क्यों दिया? क्यों, इसमें गलत क्या है? वह दिमाग से पैदल है. सब लोगों ने बड़े बड़े बुके लाकर तुम्हें दिए और उसने एक रोज देकर तुम्हारा दिल जो जीत लिया. इससे कैरेक्टर देख लिया ना. बेकार का खर्च करके ना खुद फंसेगी ना किसी को फंसाएगी. ओह, दैट मींस प्रिया सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर है. डोंट वरी, मैं हार्डवेयर में भी एक्सपर्ट हूँ. ये जरूर खाएगा. सीता एक मिनट. पिछले महीने जो पलचुरोन का सामान खरीदा था, इस महीने भी खरीदा है, तो 300 रुपए का फर्क क्यों? क्या बात कर रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई है. देखिए, इतनी सी सब्जी 20 रुपए में मिल रही है, मसाला अलग से खरीदना पड़ता है. हाँ, सही कहा, अगर हर महीने इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे. कॉलेज फीस भरने का नोटिस आया है, पैसों का इंतजाम करो. अरे अभी तो कॉलेज की फीस भरी थी. वो पिछले सेमेस्टर की थी, इस सेमेस्टर की नहीं भरनी है क्या? भरूंगा, क्यों नहीं भरूंगा. मेहनत करके तेरी कॉलेज की फीस भरूंगा, तभी तो तू पढ़ लिख कर बढ़िया सी नौकरी करके हम पर रौब जमाएगा ना. आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये जब कमा कर कार बंगला खरीदेगा तो उसमें हम भी रहेंगे ना. तूने ऐसी आस लगा रखी है. इसके पास ये सब आते ही हमारा क्या होगा पता है? वो देख, जरा उस मूर्ति को देख. सुबह शाम बस खाना खाकर बिना तनख्वाह के हम इसके घर की चौकीदारी करेंगे. एक बात समझ ले, किसी भी इंसान के लिए बुढ़ापे की जिंदगी शुगर पेशेंट की मिठाई की तरह होती है, यानी किसी काम की नहीं. फिर शुरू होगा. ये आवाज कैसी है? ऊपर क्या कैबरे डांस हो रहा है? अरे रे रे रे, लगता है छत सिर के ऊपर आके गिर जाएगी. ये तो हमेशा ही होता है. बैचलर को किराए पर देखकर ओनर मस्ती में रहता है और हमारी जिंदगी वैसी की वैसी है. इसे क्या अपना खटारा स्कूटर समझा है? अपनी उम्र के हिसाब से सोचिए ना. क्या हुआ अंकल? क्या हुआ अंकल? क्यों रे, इसे क्या डांस करने की जगह समझा है? ये क्या कोई क्लब है? इतना हेवी म्यूजिक बजाकर लड़कियों के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहे हो. गुलछर्रे उड़ा रहे अंकल? दिस इज सालसा. पूरे दिन कंप्यूटर पे काम करते हुए जब थक जाते हैं ना, तो रिलैक्स करने के लिए ये करते हैं. कौन से पत्थर तोड़ लिए जो रिलैक्स चाहिए? क्या हम काम नहीं करते हैं? इतने सालों से मैं काम करता आ रहा हूँ, क्या रिलैक्स होने के लिए लड़कियों के साथ इस तरह से कभी गुलछर्रे उड़ा है? अच्छा, तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही है तो उसका गुस्सा हम पे निकाल रहे हो. हमारा जो वर्क स्टाइल है आप नहीं जानते. अगर पूरा दिन कंप्यूटर पे काम करोगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा. अरे छोड़ ना यार, ये पहले से ही थके हुए. आप जाइए अंकल, जाइए जाइए, ये सब आपके बस का नहीं है अंकल. तुम्हारा मतलब बच्चे बहुत धमाल मचा रहे हैं? हाँ सही कहा, गाने वाने बजा के नाच भी करते हैं. हाँ बिल्कुल सही. तो फिर मेरा फैसला तय है, इमीडिएटली खाली करना होगा. अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही है. तो बताइए कब खाली कर रहे हैं? क्या हम लोग? ये क्या हमने उन लड़कों को खाली कराने के लिए कहा? तुम तो हमें खाली कराने पे तुले हुए हो. एक छोटा सा लॉजिक है. तुम चार लोग रहकर महीने का 3,000 किराया देते हो. वो भी चार लोग हैं, उसी साइज के घर में रहकर महीने का 10,000 रुपए किराया देते हैं. तो 3,000 ज्यादा है या 10,000? अगर देखा जाए तो जो वो भाड़ा दे रहे हैं वो ज्यादा ही है. लॉजिक एकदम समझ लेते हैं. 10,000 दे रहे हैं तो वो बड़े ही हुए ना. हमें क्या उनसे कोई तकलीफ है? डांस करते हैं करें, हम लोग शांति से रहेंगे. इस उम्र में बच्चे तो ये सब करते ही है ना. ये क्या एकदम से उल्टी गंगा क्यों बहने लग गई? दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें खूब डांस करने दो. छत कौन सी हमारे सिर पे गिरेगी? ये मजाक कर रहे हैं. चलो चलो, रुको रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ. अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चाय वाय भी बाद में कभी पी लेंगे. तुम चलो चलो. मैं कुछ बोलूं उससे पहले ये खिसक लिए. पैसों का भूखा है, पैसे देकर पलटी मार गया. कहता है तुम खाली कर दो. खाली कर देंगे तो 3,000 का मकान कहाँ से मिलेगा? महादेव, उन बच्चों को. अरे इधर आओ. क्या है बोलना? एक बहुत जरूरी बात है, जल्दी आओ. तू जा, मैं जरा उससे मिल के आता हूँ. क्यों रे, क्या बात है? क्या बात है बताना. चलो तो सही, मैं बताता हूँ. फिर से बोर करेगा क्या? अरे छोड़ना. ए चंदर, कह रहा था ना क्रिकेट के लिए अंपायर नहीं है, ये ले मैं अंपायर लेकर आ गया. अंपायरिंग करवाएगा? अब ये कौन है? तुम्हें अंपायर बनाने के लिए मैंने ही बोला, कोई और इस पोस्ट के लायक नहीं रहेगा, तू जल्दी से आ जा. अरे ठीक है यार, बड़ा एहसान कर रहा है. रुको 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 रुको, क्या तुम अंपायरिंग नहीं करोगे? मैं वैसे ही परेशान हूँ ऊपर से. तू बापू, खाना खाने का टाइम हो गया, घर चलो.
अब तू जाना। अरे अरे सुनो ना। ए जल्दी आना, अरविंद आया है। हाय अरविंद। हाय बेब्स। हाय अरविंद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आजकल ऑफिस बहुत जल्दी आ जा रही है। अरे तुम्हारे लिए ये डायलॉग बहुत से लोगों को मार चुकी है, संभल के रहना। एक्सक्यूज मी मनोज कुमार, एक मिनट। हाय, गुड मॉर्निंग। ओ हाय, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। है उन दोनों को वहाँ चोंच लड़ाने दो, हम लोग यहाँ आपस में चोंच लड़ाएं। तुम्हारे साथ पहले अपना बैंक बैलेंस 110 के आगे बढ़ा, तब देखेंगे। कमजोरी पकड़ लेती है। तुम स्कूटी पे आती हो, कार नहीं है? नहीं खरीदी। व्हाई? मन नहीं किया, नहीं खरीदी। एक्सक्यूज मी। अरे मनोज कुमार, तुमने सही कहा था। क्या? ये बहुत ही सॉलिड हार्डवेयर है। मैंने कहा था ना, ये फंसने वालियों में से नहीं है। तो फिर ये कौन? ये हाय, ये फिर से आ गई। ए तू मुझे कहाँ ले जा रही है? तू आ तो सही। ए रुक ना, ए जरा उसे देखना। उसकी जो आंखें हैं, उसके लिप्स, टोटल पर्सनालिटी घायल कर रही है। मन तो ऐसा करता है जैसे उसे कच्चा चबा जाओ। चल हट। कंपनी जो सैलरी देती है उसके लिए काम किए बिना तू उस पर लाइन मार रही है। दूंगी खींच के, जा अपना काम। अरे जाना। एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? अरे वाह, तुम्हारे बारे में सोचा और तुम एकदम से आगे मनोज कुमार। तुमने सोचा? मैं जानता हूँ डार्लिंग, भले ही तुम मेरे बैंक बैलेंस को देखकर मजाक उड़ाती हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम मुझे चाहती हो, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है। बोलो डार्लिंग, तुम्हारे लिए जो कहोगी करूंगा। ऐसा है तो मेरा और हमारे सीईओ का जल्दी से टांका फिटा दो ना। चल निकल ले। अरे निकल ले। सब तेरी वजह से हुआ है। तू उन्हें देख देख के मुस्कुराता रहता है और टाका भिड़ाने के लिए मुझे बोलती है। अरे छोड़ ना यार, अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगी। क्यों, सबके साथ एक साथ कनेक्शन कर लिया क्या? अरे नहीं यार, हमारी फ्रेंडशिप को देखकर हमारी कंपनी की लड़कियों ने जो ईमेल्स भेजे हैं उन सबका एक स्केड्यूल बना लिया है। क्योंकि किसको कहां कब ले जाना है अगर इसका प्लान कर लें तो सबको मेंटेन कर सकते हैं ना। आइडिया कैसा है? सही है, सही जा रहा है। Come on guys, let's start. Don't be shy. Cheers. Hey, take it, yeah. No. No, mom. I'm so busy. ऑफिस का काम देखने में ही सारा टाइम निकल जाता है। Try to understand. मुझे टाइम मिलते ही मैं जाके अंकल से मिल लूंगा। देख के चलो ना। जाने में लग गया। टक्कर मार के सॉरी। हाँ, एक लड़की साथ में तो ही आंखों को नहीं दिखता है, इतनी सारी के होते हुए कहाँ से दिखेगा। मिस्टर, बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? इसने सॉरी बोल दिया ना। सॉरी बोलने से तू कूल रहे? अरे तू चुप रहा है यार, ये बोलो लोग ऐसे चिल्ला रहा है, इन्हें कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मुझे फिर से बुढ़ाओ कहा? ओके ओके ओके। अरे तू कौन सा यूथ है, चुप रहना यार। देखिए सर, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूं। ए छोड़ ना यार, क्यों खामखा उलझ रहा है? कब्र में लटके हैं, बुढ़ाओ को जवानी सूझ रही है। सर गुड मॉर्निंग। सर हां गुड मॉर्निंग, कॉफी तैयार है सर। लेकिन मैंने तो ऑर्डर किया ही नहीं। हाँ तो क्या हो गया, हमेशा कॉफी तो मंगाते हैं। आप आते हैं, इस मेनू कार्ड में सारे दिए गए आइटम के भाव देखते हैं और आखिर में कॉफी का ऑर्डर देते हैं। हमेशा यही तो करते आ रहे हैं ना। आज तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी। दरअसल आज मेरा कुछ अलग से खाने का इरादा था। हा? लेकिन क्या क्या कहा? कुछ डिफरेंट खाने का इरादा था। तो ठीक है ना, खा सकते हैं। हमारे रेस्टोरेंट में बहुत सारी वैरायटीज हैं। इसमें देखिए, सूप है, पिज्जा है, बर्गर है, समोसा है, भजिया है, बिरयानी है, इडली डोसा भी है। जो चाहिए बोलिए, फौरन तैयार करवा देता हूँ। कुछ और बोलना बाकी है? क्या चाहिए मैं बताता हूँ। ओके सर। ये देख, यहाँ जो ये आखिर में लिखा है ना, जिंजर हॉट टी, 22 रुपए। जी हाँ, वो चाहिए। ओके सर। बड़ा ऑर्डर मिला क्या? बहुत बड़ा। कॉफी के बदले चाय। अपने मालिक को बोल के ये चाय कॉफी बंद करवानी होगी। इन बुड्ढों के वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। ना 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 My name is Raju Baby, Raju Baby, Raju Baby. Yeah.
का लगाव जब मैं कर दूं सर्पों की छुट्टी। दुनिया के जिसको बर्बाद में भरी है मस्ती, रोके जो हमको कोई ऐसी नहीं है हस्ती। दिल में अगर कुछ ठारे तो पाके उसे हम मारे, वाला है जिस दुनिया में तू उसको ना पहचाने। My name is Raju baby, Raju baby, Raju baby. लगाऊ जब मैं कर दूं सर्पों की छुट्टी। खर्चे हैं बेहिसाब, इसलिए लाइफ में करते हैं जान। हमसे मुकाबला करने को आ गया, अपनी औकात में जीवन जी ले जा प्यारे। आकाश है पुराना, ये धरती भी पुरानी, इस पर ऐसे उंडेल के कर देंगे हमने क्या। My name is Raju baby, Raju baby, Raju baby. Tum ka lagaam jab main kar dun sarpon ki chutti. अरे दीदी ये तुम क्या बोल रही हो, मैं अपने हाथों से थोड़ी ना पीसूंगी, मिक्सी तो पीसेगी। अरे 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 बच्चों आओ 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 आओ। हाँ तो बताओ। बुच्ची सुबह से सुब्बू हमारे साथ खेलने के लिए नहीं आया, सुब्बू के बिना हमें खेलना अच्छा ही नहीं लगता। हाँ बुच्ची सुनो जी। हाँ? इनके साथ मैं नहीं खेलूंगा, इन्हें जाने के लिए बोल दो। ऐसा क्या हुआ सुब्बू, बच्चों के साथ झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा मैंने नहीं किया। तो फिर वो जो विनोद है ना, वही मेरे साथ जब देखो तब झगड़ा करते रहता है। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया बुच्ची। अबे झूठ मत बोल। तू ही झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। अरे रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है? बच्चे इतने प्यार से बुला रहे हैं, जाके खेलने में क्या होता है? जाओ जाके खेलो। चलो चलो चलो। सॉरी दीदी, बच्चों और सुब्बू में समझौता कराने में लेट हो गई। लाओ दो। एक बात पूछो बुरा,
तो नहीं मानोगी? यही ना कि सुबह छोटे बच्चों के साथ जाकर खेलता है, यही पूछना है ना? अब क्या बताऊं दीदी, सुबह को छोटे छोटे बच्चों से बहुत लगाव रहता है, लेकिन मेरी बदकिस्मती मैं उसे एक बच्चा नहीं दे पाई, बस यही दुख है। लेकिन मेरा सुबह एकदम जेंटलमैन है दीदी, इस बात से मैं दुखी ना हूँ ये सोचकर मेरी कमी को अनदेखा करके वो मेरी देखभाल करता है। क्या करे, वो बच्चों के साथ मन बहलाने के लिए इन बच्चों के साथ खेलता रहता है, और अब तो ऐसा हो गया है कि पता ही नहीं चलता है कि आदमी है कि ये भी बच्चे ही हो गए हैं। सर, इस बार हमें छोड़ दीजिए ना, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। ए, दारू पीकर गाड़ी चलाते हो और बोलते हो छोड़ दूं। सर, एक बार छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज सर। नहीं, चलो हजार हजार रुपए निकालो। ए, देख महादेव अंकल। ए, मैं जाके उनसे मदद मांगू? वो कहाँ से करेंगे, हमने उनकी इतनी बेइज्जती जो की है, वो अभी भी हमसे नाराज होंगे। अरे वो भूल गए होंगे, मैं जाके बात करता हूँ। हाय अंकल। हाय, क्या हुआ, सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं अंकल, एक पार्टी अटेंड करके आ रहे थे, जरा सी पी ली थी। ये क्या कह रहा है? पुलिस वालों ने पकड़ लिया और एक एक का हजार रुपया मांग रहे हैं, नहीं तो बोल रहे हैं ड्रंकन ड्राइव के केस में अंदर डाल देंगे। हमारे लिए आप उन्हें समझाइए ना अंकल, प्लीज। तुम लोगों के लिए ठीक है। नो नो नो, किसी की सिफारिश मेरे पास नहीं चलेगी, मैं कानून की इज्जत करता हूँ। ठीक है, जितनी चाहो कीजिए, पर मेरी बात तो सुनो, आजकल की महंगाई में 500-1000 रुपए मांगोगे तो उससे क्या होगा? इन लोगों को मासूम मत समझना, इन्हें बहुत चर्बी चढ़ी हुई है। और मांगिए, 5000-10000 मांगो, ये दे देंगे। सच बोल रहे हो? सुनो, साहब से मैंने सब बात कर ली है, अपने हिसाब से जो मांगेगा उसे दे देना। अच्छा तो मैं चलो, कॉलोनी में मिलेंगे। थैंक्स अंकल। ए अंकल तो बहुत अच्छे हैं। हाँ यार, हमने उन्हें गलत समझ लिया। हाँ तो भाई, तुम लोगों के बारे में उन्होंने सब समझा दिया। चलो अब 1000 नहीं 5000 निकालो। हाँ सच में यार, मेरे बचपन में ही मेरे पेरेंट्स मुझे यूएस लेके चले गए, इसलिए मैं अपने मामा को पहचानता ही नहीं हूँ, इसलिए उनसे मिलने का इंटरेस्ट भी नहीं है। ए, बाहर निकल के आओ। ए, बाहर निकलते हो या नहीं? अरे आँख से अंधे हो क्या? ये तो वही बुढ़ा हुआ है। अच्छा तो तुम ही हो, उस दिन मुझे टक्कर मारी, आज कार से कुचलना चाहते थे, क्यों रे? उस दिन लड़कियों के साथ होते हुए दिखाई नहीं दिया, आज तो तुम लोग अकेले ही थे ना। हेलो, ये टुच्चे काम हम नहीं करते, बड़े लोग क्या करते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ए मनोज कुमार छोड़ना यार, 1 मिनट। अच्छा, 1500 दे दे इसे, मौज करेगा। ये 10000 रुपए हैं, अगर कोई डेंट पड़ा हो तो ठीक करा लीजिए। इतना किस लिए, इनका कोई हाथ पैर टूटा है क्या? तू ये 10000 रुपए क्यों दे रहा है? क्या हुआ सर, एक्सीडेंट हो गया क्या? ये गाड़ी वाले लोग कोई छोटे मोटे नहीं लगते, इनसे जितना एट सकते हो एट लो सर। अपना काम कर जा, अब निकल। भलाई का जमाना ही नहीं रहा, बेकार में मेरा टाइम खोटी हो गया। सुन, ये पैसों का घमंड अपने पास ही रख, हम जैसे मेहनती लोग पैसों की कदर अच्छी तरह जानते हैं, कार में एसी डाल के बेकार में घूमने वाले ये नहीं जान पाएंगे। चलो जाओ, इन पैसों से कार में पेट्रोल डाल के लड़कियों को बैठाकर अच्छी तरह घूमो। ये बूढ़े लोग सुधरने वाले नहीं है, हमेशा आकड़ में ही रहते हैं। चल। क्या कहा, अरविंद चेन्नई आया हुआ है? सुनिए, यूएस से आपकी बहन का लड़का अरविंद चेन्नई आया है। चेन्नई आया? हाँ। कब आया वो? हेलो लक्ष्मी, सीता जो बोल रही है सच है क्या, अरविंद चेन्नई आया हुआ है? हाँ भैया, वो सोच रहा था कि आपको सरप्राइज देगा, लेकिन वो टाइम ही नहीं निकाल पाया। अरे ऐसा भी क्या काम जो टाइम नहीं निकाल पाया, अरविंद को बचपन में देखा, उसके बाद तुम लोग अमेरिका लेके चले गए, क्या उसे देखने की मेरी इच्छा नहीं है? एक काम करो, उसका पता दो, मैं खुद जाके मिल लूंगा। अच्छी तरह सोचो डार्लिंग, बैंक बैलेंस कम है तो क्या हुआ, ऊपर वाले ने मुझे इतना खूबसूरत जो बनाया है। खूबसूरती की बात मत कर, थोपड़े पे एसिड डालूंगी। एसिड? सोचा बहुत ही डिसेंट लड़की होगी, तू तो एसिड छिड़कने वाली लोकल निकली। क्यों मनोज कुमार, इसने भी रेड सिग्नल दिखा दिया। अरे वो जैसे स्मार्ट कार्ड के लिए विजिटिंग कार्ड कहाँ से सेट होगा? डोंट वरी मैन, तेरे 110 में कोई ना कोई तो जरूर फंसेगी। वो भी कोई लूटने वाली ही होगी। यस। हे प्रिया, कम कम, व्हाट अ सरप्राइज। ये प्रोजेक्ट जरा वेरीफाई करना है। ओह श्योर, अभी कर देता हूँ। थैंक यू। Hey, प्रिया, हाँ? प्रिया प्रिया प्रिया, 1 मिनट। आज इवनिंग डिस्कोटेक में चले? ये अचानक मुझसे क्यों पूछ रहे हो, किसी और की कंपनी नहीं मिली क्या? कंपनी देने के लिए तो हजारों लोग मिल जाते हैं, मगर जिसे दिल चाहे अगर उसके साथ जाए तो खुशी डबल हो जाती है ना। एक बात समझ में नहीं आई, जब से तुम्हें देखा है
मैं बहुत ही डिस्टर्ब सा हो गया हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हूँ। हे प्रिया प्लीज। सॉरी अरविंद, मैं यहाँ सैलरी काम करने के लिए लेती हूँ। यहाँ तुम सीईओ हो और मैं स्टाफ। हमारे बीच यही रिलेशनशिप रहे तो ही अच्छा होगा। किसी और रिलेशनशिप के लिए प्लीज ट्राई मत करना, बेकार होगा। क्या बात है यार, प्रिया बहुत गुस्से में जा रही है। तूने कुछ बोल दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही ट्राई किया। मैंने कहा था ना ये फंसने वाली नहीं है। मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? तेरे कहने से वो नहीं मिल पाएगी क्या? उसे कैसे लॉक करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तू किसी की कहाँ सुनता है, जरा होशियारी से रहना। अरविंद, योर अंकल मिस्टर महादेव हैज कम टू मीट यू। क्या अंकल? हाँ बेटा, तूने कहा था कि तेरे पास मिलने का टाइम नहीं है, इसलिए तेरी माँ ने फोन पर बताया। बेटा अब वो कैसे हैं? अरे ये तो वही बुढ़ऊ है। ये बुढ़ऊ, ये तुम्हारे मामा है। एक दूसरे को नहीं जानते हो बोल के मुझे उल्लू बना रहे थे। मजाक मत उड़ा, तूने खुद उनका जम के मजाक उड़ाया और अब मुझे फंसा रहा है क्या? तू चुपचाप रह। बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे बस बस बस। अंकल अंकल अंकल, सॉरी अंकल, ये सब एकदम अनएक्सपेक्टेड हो गया। एक्चुअली मैं खुद ही आपसे मिलने आने वाला था। लेकिन टाइम नहीं मिला होगा ना। सॉरी अंकल, कुछ भी मन में मत रखिएगा। अरे ये क्या बोल रहा है अरविंद, ये क्या हमारी तरह जवान है जो सब कुछ याद रहे? उम्र के साथ साथ इनकी याददाश्त नहीं चली गई होगी। अबे तू चुप रहना। क्या चुप रहूं, ये तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं। इन्हें ले जाके कहीं पार्टी वार्टी कराते हैं ना। एक तू है कि यहीं बतियाया जा रहा है। क्यों, किस लिए? वहाँ भी अपने पैसों का घमंड दिखाना है? नो अंकल, आप मुझ पर गुस्सा नहीं है तो आपको हमारे साथ चलना ही होगा। लेकिन पार्टी मैं दूंगा, टी पार्टी। कहाँ पे? फाइव स्टार में। फाइव स्टार में। चल चमेली बाग में मेला दिखाऊंगा। तेरे मामा ने अच्छा बदला लिया यार। अपने रेंज का कोई फाइव स्टार सेवन स्टार होटल होता है तो तुम्हारी रेंज के किसी फाइव स्टार सेवन स्टार होटल में ना ले जाकर प्लेटफॉर्म के खोमचे पर ले आए। यहाँ चाय वगैरह हाइजीनिक नहीं मिलती है, ऐसे जगहों पे चाय पीनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? यहाँ के लोग यहीं आकर पीते हैं ना, उन्हें क्या हुआ है? मैं अपने क्लाइंट से मिलने आता हूँ तो मैं यहीं पर पीता हूँ, और देखो मुझे हट्टा कट्टा हूँ, बात ऐसी कर रहा है जैसे कभी रोड के किनारे चाय पी ही ना हो। अब इन्हें कौन समझाए? थोड़ी सी और कड़क बनानी चाहिए। स्टॉप। क्यों? अपनी अंतरात्मा को छू के बोल, तूने खुद अपनी दुकान की ये चाय कभी पी है? मैं भला ये गलती क्यों करूंगा? अबे क्या बोल रहा है, चल जा। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कह रहे हैं यहाँ की चाय पीने से इनमें जवानी लौट आती है। ए, इनके लिए एक और चाय लेके आ ताकि जवानी जल्दी लौट आए। तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। यहाँ खड़ा रहना भी अंकल, एक्सक्यूज मी, आप लोग बात कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। जल्दी चाय पीजिए, चलना है। रेडी कर दिया है, सब फर्स्ट क्लास हो गया है ना। ओके नाइस, मैं अभी पहुंचता हूँ। ओके अंकल, मुझे जरा गेस्ट हाउस पहुंचना है, पास में ही है। अगर आप भी आ जाएंगे तो घर देखने जैसा हो जाएगा। मैं वहां आकर क्या करूंगा? अंकल आप ज्यादा सोचिए मत, परंपरा के हिसाब से तो पहले मुझे ही आपके घर पहुंचना था, बट पास्ट इज पास्ट, प्लीज। क्या हुआ अंकल? नहीं नहीं कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, इंटीरियर का काम पूरा हो गया? हाँ सारा काम हो गया सर, स्विमिंग पूल तैयार होने में बस दो दिन लगेंगे। ठीक है, जरा जल्दी देर मत करना अंकल। हाँ आप ऐसे क्या देख रहे हैं, आइए आ रही है। कंपनी ने ही ये गेस्ट हाउस मुझे प्रोवाइड किया है, कैसा है अंकल? ये जो एक ग्रेनाइट है या मार्बल है? दोनों मिक्स है अंकल। और ये है डाइनिंग विद बार। अरे वाह, घर के अंदर पूरा समुद्र बना के रखा है। ये रहा स्विमिंग पूल, दो दिन में तैयार हो जाएगा।
अरे मेरा पोता आ गया। बचपन में देखा था, कितना बड़ा हो गया है। ले ये खा बेटा। अरविंद, मुझे भी यूएस में जॉब दिला सकते हो क्या? डेफिनेटली, अपनी पढ़ाई पूरी करो, जॉब मैं दिलाऊंगा। सीता। हाँ बोलो। मैंने अरविंद को अपनी गोद में बिठाकर उसके कान छिदवाए थे, और आज उसके पास कार है, बंगला है, और मुझे देखो, आज भी वैसा का वैसा ही हूँ, कुछ बदला ही नहीं। एक ही दुनिया में दो अलग अलग तरह के जीवन, ऐसा क्यों होता है सीता? ये कैसा पागलपन है? अच्छी खासी सो रही थी, आधी रात में जगा कर ये कह रहे हो? नींद ही खराब कर दी। अब चुपचाप सो जाइए। अबे जरा सी अकल है या नहीं? सॉफ्टवेयर के जॉब में मेंटल स्ट्रेस तो होता ही है, उसके लिए कंपनी की छत से कूद के आत्महत्या करेगा? ए, छोड़ ना यार, मैं पहले ही उसे बहुत डांट चुका हूँ, और ऊपर से तू। बात वो नहीं है, आत्महत्या करने से पहले बैंक अकाउंट का बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है ना, एक दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता है क्या? अरे तेरी तो। वो वैसे ही परेशान है और तू उसे और कर रहा है। ए कार्तिक, तू पहले जाके किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके माइंड फ्रेश करके आ। ओके अरविंद। ए अगर अब तू आत्महत्या करने गया तब। ए तू सुधरेगा नहीं क्या? ठीक है ये ले। क्या है? अरे हमारी कंपनी की ओर से कॉम्प्लीमेंट्री सिनेमा टिकट्स। ये स्टाफ को दे देना। ठीक है। ये प्रिया को दे देना। ये अलग से क्यों? अरे अलग से नहीं है, देख मेरे साथ ही है। मेरी बात मान ले अरविंद, प्रिया के साथ बैठकर पिक्चर देखने का तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहाँ देख तेरे लिए कितनी टिकट्स इंतजार कर रही हैं। हमेशा इंग्लिश ही फिल्म देखेगी। इनमें से जो तुझे चाहिए तू रख ले, बाकी के मुझे दे दे। जिंदगी में एक बार तो किसी के साथ फिल्म देख लूंगा। मैं प्रिया के पास बैठने वाला हूँ उसे अपना बनाने के लिए। उजाले में लड़कियाँ अलग दिखती हैं और अंधेरे में बिल्कुल अलग। यकीन नहीं है तो देख ले, पिक्चर खत्म होने के बाद जब हम लोग आएंगे तो प्रिया को मैं अपनी प्रिया बनाकर दिखा दूंगा। हाय। हाय। हे प्रिया, हैव अ चॉकलेट? नो थैंक्स। हे कम ऑन, हैव इट, जस्ट चॉकलेट ही तो है, डोंट बी शाय, ये तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा नीचे पिक्चर नहीं दिख रही है। पिक्चर नहीं दिख रही है तो ठीक है, तू यहाँ आ जा, मैं वहाँ चला जाता हूँ। ये मेरी है। चुपचाप बैठना, बात तो ऐसी कर रहा जैसे वाकई फिल्म देखने आया हो। अंगूर को पता नहीं कहाँ से अंगूर जैसी लड़की मिल गई, एक मेरी जिंदगी है सुनसान खोली। क्या सीन है ना? दरअसल ऐसे सीन में ना हाथ पकड़ कर रखोगे क्या? नहीं तो? तो फिर ये क्या है? ओ ए, क्या हुआ यार? तेरी बात बनी कि नहीं? ये जानने के लिए फोन किया? चुपचाप फोन रख। दोस्त है, हमेशा रंग में भंग डालता रहता है। अगर यही थप्पड़ मैं थिएटर में मारती ना तो तुम्हारी इज्जत वही उतर जाती। देयर इज लिमिट फॉर एवरीथिंग। तुम सीईओ हो इसलिए तुम्हारी बाहों में सब नहीं आ जाएंगे। अपना यूएस कल्चर यूएस में रखना। बाय। क्यों यार, प्रिया को अपना बना लिया क्या? थप्पड़ खाने के बाद ही पागलों जैसा हंस रहा है, जैसे उसमें भी मजा आ रहा हो। कम से कम अब मेरी बात मान ले, आइंदा उसके पीछे। मतलब तू चाहता है मैं उसे भूल जाऊं? किसी भी खेल में छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। उसके लिए क्या खेल खेलना हम बंद कर दें? तू नहीं सुधरेगा। कम ऑन यार। दद्दू। रुको ना दद्दू। दद्दू, दद्दू मैं तुम्हें बुला रही हूँ, अब चले जा रहे हो। दद्दू किसे बुला रही हो? और किसे, तुम्हें? सुब्बू ने बैट ऊपर फेंक दिया है, चल के उतार के दो ना दद्दू। बैट तो मैं लाके दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। वो क्या है? मुझे दद्दू कह के कभी मत बुलाना। दद्दू नहीं बुलाऊंगी तो फिर क्या बुलाऊंगी? चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। उन्हें तुम क्या कह के बुलाती हो? उन लोगों को? हाँ। रेड शर्ट शिव अंकल, ब्लैक शर्ट रिचर्ड अंकल। तो एक काम करो, मुझे भी अंकल कह के बुलाना, ठीक है? मैं आपको अंकल कह के क्यों बुलाऊं?
आप भी तो मेरे दद्दू के जैसे ही है ना। उनके भी बाल सफेद हो गए, आपके भी बाल सफेद हो गए पूरे। तो आपको दद्दू कह के तो बुलाना पड़ेगा ना। उनके भी बाल सफेद हो गए, आपके भी बाल सफेद हो गए पूरे। अजी सुनिए, आज रविवार है ना, अरविंद को दोपहर के खाने पर बुला लीजिए ना। वो भला कहाँ हमारे घर में आके रुकेगा, वो दिन रात फाइव स्टार होटलों में खाने वाला बच्चा जो है। पूछे बिना खुद ही बोले जा रहे हैं, पहले उससे पूछ तो लीजिए। ये सब क्या है? वो जरा बाल सफेद होने लगे थे तो इसलिए डाई लगा रहे हैं। डाई लगाने से उम्र कम हो जाएगी क्या? ये सब क्या कर रहे हैं? इंसान अपनी उम्र के हिसाब से रहे वही अच्छा लगता है। अरे मूंछों पर लगाएंगे तो बहुत गंदे लगेंगे, कितना गंदा लग रहा है। चलिए चलिए बाहर चलिए। डाई लगाने वाले, पहले चश्मा निकालिए, निकालिए चश्मा। क्या है ये सब? सीधे खड़े रहिए, ठीक से धोइए, लीजिए पकड़िए। सफेद मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बुद्धि भी भ्रष्ट हो रही है इनकी। ए महादेव, कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे क्या देख रहा है, पहचाना नहीं क्या? नाई ने मुझसे कहा अंकल तुम्हारी उम्र कम कर देता हूँ, बाल काले करके मेरी पर्सनालिटी बढ़ा दी। कैसा दिख रहा हूँ? जवान दिख रहा हूँ ना? चार दिनों की जिंदगी है, जी ले भैया प्यार से, जवानी का मजा तू ले ले यार। इस तरह से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है, इससे फ्रेंडशिप डेवलप होती है। लेकिन यहाँ जो भी आता है लाइन मारने के लिए ही आता है। अरविंद, आज पार्टी खत्म होने के बाद इवनिंग शॉपिंग ले चलेंगे? हाँ चलेंगे ना, मैं लेके चलूंगा। तू बैंक बैलेंस अभी भी 110 ही तो है, भूल गया क्या? वजन भी 110 है, चाहो तो उठा के देख लो। जरा मुंह तो देखो कैसे गुफा की तरह खोल के रखा है, बंद करो उसे। शॉपिंग जाना है तो खर्चा तुम्हें ही करना होगा। हम लोग तब तो नो डील, कम ऑन फ्रेंड्स। ये क्या? हाय हाय। हे, ये क्या, इसने थिएटर में थप्पड़ मारा, तुझे याद नहीं है क्या? हे, वो खुद उस बात को भूल गई है, तूने देखा ना मेरे हाय कहने पर वो मुस्कुराई। हे, ये मुस्कुराना नहीं है, उस दिन जो थप्पड़ मारा वो बस नहीं है, और चाहिए क्या, ऐसा सिग्नल है। अरे अपना मुंह इधर करना है, यहाँ बहुत धूप है, चलो अंदर चलते हैं। मान दिया, चांस मिलते ही लपक पड़ता है वो। बहुत बढ़िया है, एकदम सही पकड़ा है। लो इसे पकड़ लो, संभल के। ए प्रिया, कुछ हुआ नहीं ना? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अरे कुछ नहीं हुआ, नथिंग। हे प्रिया, आई एम रेडी, कम ऑन मारो ना। अरे देख क्या रही हो, तुम्हें छुआ इसलिए अकेले मिले जाकर थप्पड़ मारने वाली हो। वो थप्पड़ यही मार लो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अबे तू पगला गया है क्या? वो भूल गई है, तू याद दिला के थप्पड़ मांग रहा है, चल। अरे रुकना मनोज कुमार, प्रिया ने अब तक मारा नहीं, मारो प्रिया। वेरी स्मार्ट, गलत कल्चर में पल बढ़ के दूसरों के बारे में वैसा ही सोच के गलत नहीं लगता, लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें मारा तो गलत लग रहा है ना? अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए मैं तुम्हें मारूं, मैं कोई पागल नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे दुश्मन हो। थैंक्स। ये क्या यार, वो इस तरह से बोल के जा रही है, ये विकेट गिर गई क्या? अरे तो इसमें डाउट क्या है? अरे वो नहीं, ये वाला देख, ये जरूर एग्जाम में आएगा, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुझे कुछ डाउट है तो अपने प्रोफेसर से पूछ। अगर आज के बाद मैंने तुझे किसी लड़की के साथ देखा तो हड्डियाँ तोड़ दूंगा। अंकल बॉल प्लीज। क्या हुआ अंकल, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम लोगों को जब देखता हूँ तो मुझे अपनी जवानी याद आती है।
ओह, उसके लिए हमारे साथ खेलने की मत सोचना, हम बूढ़े लोगों को साथ में नहीं खिलाते हैं। हेलो, हाँ इधर आ। क्या हुआ अंकल? मेरे ऊपर बॉल आके गिरी, सॉरी कह देती, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बात कर रहे थे ना। तो फिर ये बड़े बूढ़ों की बात कहाँ से आ गई? क्या हुआ स्मिता, कोई प्रॉब्लम? हाँ यार, अंकल को मैंने ऐसे ही बूढ़ा कह दिया, उसके लिए वो मुझ पे गरम हो रहे हैं। इसमें टेंशन होने की क्या बात है? क्यों अंकल, बुजुर्ग को बुजुर्ग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोई आपको बुजुर्ग बुलाए आपको पसंद नहीं है? ठीक है, हमें से आपको कोई बुजुर्ग नहीं बुलाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बुलाने के लिए, आप यूथ हैं, आपको प्रूव करना होगा। मैं बताऊं कैसे? कुछ नहीं, ये जो बॉल है ऐसा डालना होगा, देख लिया ना, ये करके दिखाओ। बॉल अगर रिंग में से नहीं निकलती है तो कोई बात नहीं, वो स्क्वायर टच करके दिखाओ। ए, उनकी उम्र तो देख, कम से कम 3 चांस तो दे। ओके, ग्रांटेड। हेलो अंकल, बॉल पकड़ के कब तक खड़े रहोगे, जल्दी डालो ना। 1, 2, 3। समझ में आया, ओल्ड ओल्ड होता है, यूथ यूथ होता है। तुम्हारे बुलाते ही मैं लीव लेके नहीं आ सकती, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, छुट्टी मिलते ही मैं आ जाऊंगी, ठीक है, बाय। हे प्रिया। हाँ? हे अरविंद, तुम यहाँ कैसे? बताता हूँ, पहले आंखें बंद करो। हाँ? वो क्यों? अरे पहले बंद तो करो ना। ए, ए, ये क्या कर रहे हो? हे रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट अ स्मॉल गिफ्ट, बस और कुछ नहीं। गिफ्ट है? किस लिए? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ ना, इसलिए। दुश्मन? ओहो, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, इस गिफ्ट के बदले तुम मेरे पास से कुछ? नो, ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया। कुछ तो होगा, क्योंकि जब कोई गिफ्ट देता है तो उसका कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन दूसरे से रहता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ओके, बट आई हेट दैट गिव एंड टेक पॉलिसी, सो मैंने जरा से हंस के क्या बात कर ली, दोबारा इस तरह मत करना। ओके, बाय। भैया भैया, नहीं 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 नहीं, इस मंदिर में 101 की अर्चना है, 1001 की अर्चना है, सिर्फ इतना ही नहीं 101 रुपए की भी अर्चना है, वो सब ना बोल के मुझे देखकर 110 रुपए की अर्चना तूने क्यों कहा? मैं तुझे 110 का दिखता हूँ। भैया मैंने जानबूझ के नहीं कहा, सच में इस मंदिर में 110 की अर्चना होती है। बाप रे, इस पागल से बच गया। वहाँ बड़ा स्वामी और यहाँ छोटा स्वामी है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, तुम पहले जाके अपने दोस्त को अच्छे से समझाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाती है, ऐसा क्यों बोल के जा रही है? क्या हुआ रे? ए, तूने ऐसा क्या किया? स्विमिंग पूल में पट गई, यहाँ मंदिर में रिंग बनाकर उसे अपना बना लूंगा कहा था, अब वो मुझे भी फटकार के जा रही है। अरे नहीं यार, मेरी कैलकुलेशन जरा सी मिस हो गई, उसे अभी भी सब कुछ याद है। याद है? तभी तो मैं कहूँ मेरा कैलकुलेशन कैसे मिस हो सकता है, मैंने भी उसे गलत समझ लिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इससे काम नहीं बना तो किसी और चीज से, दैट्स ऑल। इसका मतलब है कि तू उसे छोड़ने वाला नहीं है। हेलो हेलो अरविंद, मैं आंटी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए आंटी। अरे रोड पे किसी को चलने भी नहीं दोगे क्या? चल नीचे उतर। अरे अरविंद, अंदर तू था क्या? आजा आजा आजा। नीचे गिराएगा क्या? अरे दादू, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं आपको नीचे गिराऊंगा?
अरे बालों में डाई लगाना बिल्कुल बेकार है। एक बार नाई ने डाई लगा दी थी, रास्ते में आने जाने वाले मेरा मजाक उड़ाने लगे, उसके बाद मैंने फिर से डाई नहीं लगवाई। मेरे लिए सफेद बाल ही सही है। हाँ तो अच्छा है ना। ए मिस्टर, ट्रेन जाने वाले ट्रैक पर खड़े होकर बात कर रहे हो, साइड में जाओ, टक्कर लगेगी तो कार का क्या होगा? कार के पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास है ना? अरे दादा, जानता नहीं है किसने क्या बोल रहा है। ये क्या आंटी, यहाँ जिसे भी देखो नॉर्मल लग ही नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कॉलोनी में रहने वाले कुछ अलग तरह के लोग हैं? हाँ सही कहा, यहाँ सब लोग कुछ अजीब से ही लगते हैं। क्यों अरविंद, सुबह सुबह इतने दूर तक? कमाल है आंटी, कोई जरूरी बात है कहकर यहाँ बुलाया। और अंकल है कि मैं यहाँ क्यों आया इस तरह से पूछ रहे हैं? कुछ भी कहो, मेरा पोता जोक बहुत बढ़िया मारता है। दद्दू जरा कम बोलिए, इज्जत लूट रही है। अरे वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं चलता हूँ। अरे रुको, अरे रुको, अपना मुँह तो मीठा करते जाओ, इसीलिए तो बुलाया है। आज तुम्हारे मामा का जन्मदिन है। क्या? अच्छा? मेरा बर्थडे? बर्थडे? कमाल करती है आंटी, इतनी देर के बाद बता रही है। अंकल अपना हाथ दीजिए, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरे आप भी ना अंकल, आज आपका बर्थडे है और आपने मामूली से कपड़े पहन कर रखे हैं। वो अच्छा ये बताइए, पार्टी कहाँ रखी है, ताज में या पार्क शेरेटन में? अरविंद ये छोटी सी बात है, इसके लिए इतना बड़ा बिल्डअप चाहिए क्या? छोटी सी बात है अंकल, जब जन्मदिन आता है ना तो उसमें जिंदगी की सारी खुशियां मना ली जाती हैं, क्योंकि आज के दिन आपका संसार में परिचय हुआ था, इसलिए आज का दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। वो तो ठीक है, मैं तुम्हारी तरह आईटी कंपनी में काम करके लाखों कमाता हूँ क्या? मैं LIC का एक मामूली सा स्टाफ हूँ। मैं खुद परेशान हूँ कि मैंने जन्म क्यों लिया, ऊपर से ये जन्मदिन और पार्टी। ऐसा बोल के मेरा मजाक मत उड़ाओ। मेरा जन्मदिन याद रखने के लिए बस ये हर साल इसी तरह खीर बनाती रहती है, कहीं भूल ना जाए इसीलिए। ठीक है तुम खाना खा के जाना, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हाँ बोलो अरविंद। अंकल चाहे जो भी काम हो बस उसे छोड़ दो और ऑफिस से छुट्टी लेकर बस नीचे उतर आओ। दुनिया में हमारा जन्म बस एक ही बार होता है और मेरे साथ रहने वाले जिंदगी भर खुश रहे, बस यही मेरी पॉलिसी है। पहले आप ड्रेस का ट्रायल तो देखिए, लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे, कम ऑन। मैंने ऐसे ही बोल दिया भैया, मुझे बख्श दे। आप बताओ, घर में आए मेहमान से अपनी दुख दुविधा बताई और मेहमान ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। धोती पहनने की उम्र में कार्गो पैंट और कॉन्टेक्ट लेंस, उठा के ले जा। अरे मैंने कहा मांगा, अरे बाप रे। ए अरविंद नहीं भैया, रहने दो, छोड़ दो मुझे। अरे अरविंद मना करो, अरे बहुत गर्म हवा आ रही है। हे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? बस ऐसे ही यार, अपनी कंपनी में तो कोई भी लड़की बात करती नहीं है, ये लड़की हिंदी भले ही नहीं जानती है लेकिन इसने 10 मिनट तक इशारों में मुझसे बात की और इशारों में मैं इसे सेट करने का सोच रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आमी ओ हिंदी एक टिक टू जानी। आप तो निकली बंगाली, अगर पहले ही पता होता तो इशारों में बात करने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा हिंदी में प्यार से कोई शब्द बोलो भैया। हम जैसे लड़कों को देखकर सिर्फ यही शब्द मुंह से निकलता है, क्यों इसी स्टाइल में डार्लिंग कहके भी तो तुम मुझे बुला सकती थी ना? पता नहीं क्या समझती है। मनोज कुमार, कोई ना कोई जरूर मिलेगी, चल टेक इट इजी, इतना फील मत कर यार। मेरे फील करने से क्या होगा, मैं तो संभाल लूंगा, अंदर तेरा मामा फील कर रहा होगा उसका क्या करेगा। अरे अरे ये टोकरा मत पहनाओ, सिर पे मत रखो, नहीं होगा, अरे मेरी सांस रुक जाएगी। अपने मामा को खुश करने के लिए जवान लड़कों की तरह ड्रेस खरीदवा कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन इस चांद पर जो चांद खाली है वहाँ पर बाल कैसे लगाओगे? क्यों नहीं होगा, हमारे ब्यूटी पार्लर की यही तो खासियत है, आधा गंजा हो या पूरा गंजा, हर कस्टमर की ख्वाहिश को पूरा किया जाता है। अब हम वो कैसे करते हैं ये हमसे मत पूछना, तुम्हारे साहब किस गेटअप में आ रहे हैं बस ये देखना। ओके लुक Mahawaja, classic basha, chick fire me to see who's hotter. Faster, better, I'm cheesy like the cheddar. Got you respect like the capital letter. Watch out, I'm taking your chicks. New in the game, but I got the tricks. Shit tricks, cause the warrior is born. Blonde hair man, who's the talk of the town? Yeah, yeah, Maharaja. Yeah, yeah, Maharaja. Yeah, yeah, Maharaja. King of the youth, Maharaja. Yeah, yeah, Maharaja. What is this?
आर यू रियली मिस्टर महादेव? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ए, ये बता, तुझे यकीन हो रहा है? कहाँ से यकीन होगा, सफेद बालों को सुनहरे बालों में बदल दिया। ए, तुझे जलन हो रही है अंकल? सुपर। हे, चाकू देना केक काटने के लिए। जाप करने की उम्र में पार्टी। ये क्या, ये क्या है यार, इतने बड़े धारिये से केक कैसे काटेंगे? क्यों नहीं काट सकते, भेड़ काटते हैं, बकरी काटते हैं, पेड़ काटते हैं, यहाँ तक कि इंसानों को भी काटते हैं, तो क्या इसे केक नहीं काट सकते? अरे काटने को बोल दा, कट जाएगा। क्यों डार्लिंग, मैंने अरे हाथ का ना? अरे हाथ ही तो है, रखने दो ना। अपनी शक्ल तो दे, बैंक में 110 रुपए का बैलेंस रख के मुझे डार्लिंग बुलाते। डार्लिंग, दोबारा मेरे ऊपर अगर हाथ रखा ना तो इसी से तुम्हारी मर्दानगी तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। ये ऑपरेशन थिएटर में काम करती थी क्या? ठीक है छोड़ना यार। अंकल आप चाकू ले लीजिए, ये चाकू। अंकल ये लो पियो ना। अरे नहीं नहीं, ये सब मैंने ही पीता। अंकल इन सब की मुझे आदत नहीं है। वहाँ देखिए ना। रुक 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 रुक, मैं पीऊंगा लेकिन थोड़ा सा ही पीऊंगा। जब पीना ही है तो जरा सा और थोड़ा क्या देख रहे हैं, चलिए पीजिए। जीत गया रे, आज तेरा सपना सच हो गया यार। अरे अचानक क्या हो गया? जिसने कभी शराब की गंध भी ना सुनी हो उसने फूल चढ़ा ली। ऊपर से घोड़े की रम कहाँ से संभाल पाएगा? अब जा पकड़ना यार। अंकल, अंकल आपको क्या हो गया? क्यों दिखाई नहीं दे रहा? कितना खुश हूँ आज मैं, इतना खुश हूँ जैसे पूरी दुनिया जीत ली। आज तक मैं क्या क्या सोचता रहा, जो भी सपने देखे थे आज वो सच हो गए। अरविंद, जिंदगी का ये एक दिन बहुत है यार। कल जैसे सुबह होगी फिर वही बुरे दिन, वही खटारा स्कूटर, वही गरीबी की जिंदगी। अरविंद, अब से ये महादेव किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं मरना चाहता हूँ, बस आज का एक दिन काफी है। अंकल रुक जाइए। राजा मुझे मार के काली मूर्त। ये क्या किया, मैं खुशी खुशी मरने जा रहा था। अंकल ये क्या आप पागलों जैसी हरकत करे जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, यही ना कि आप हमारी तरह जिंदगी जीना चाहते हैं? बस यही बात है, सच है ना? मैं जुगाड़ करूंगा, आप कल ही अपनी नौकरी से रिजाइन करके हमारी कंपनी में एज अ चीफ अकाउंटेंट ज्वाइन हो जाना। 6 digit में सैलरी होगी आपकी। सपने साकार करने के लिए इतनी सैलरी तो काफी है ना? अरे इससे कुछ नहीं होगा, और 3-4 digit लगा दे। यार ये तो नशे में है, तू थोड़ी नशे में है। हमारी कंपनी में इनका क्या काम? क्यों, इसमें गलत क्या है यार? हमारी कंपनी में भी तो इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है ही ना, उसके लिए अंकल की क्वालिफिकेशन काफी है। सही है, सही है, बहुत सही है। मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, अब खेत चाहे महाराष्ट्र का हो या गुजरात का, क्या फर्क पड़ता है? अरे अरे मनोज कुमार सॉरी यार, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ अंकल, ये रेजिग्नेशन लेटर है, ठीक है, यहाँ की नौकरी छोड़ने के लिए, और ये रहा ऑफर लेटर हमारी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करने के लिए। दोनों पर इसी समय साइन कीजिए। ये क्या अरविंद, कल नशे की हालत में न जाने क्या क्या बोल गया। पहले से मेरा ये रंग रूप देखकर ऑफिस में सब के सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब ऐसे में अगर मैं तुम्हारी आईटी कंपनी में जाकर ज्वाइन करूंगा तो मुझे उल्लू नहीं कहेंगे? मैंने कहा था ना, अरे पूरी उम्र जिस इंसान ने लिखने का काम किया उसको उसी की आदत पड़ जाती है। इन्हें चाहिए लिखने के लिए पेपर्स, पेन और एक सिंहासन, इसके सिवा कुछ नहीं। देख हाथ कितनी बुरी तरीके से कांप रहे हैं, और तू सोच रहा है कि ये कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, माउस को आगे पीछे करेंगे। अरे यार ये कैसे हो पाएगा? अंकल आई एम सीरियस, मैं चाहता हूँ कि आप भी हम युवाओं की तरह खुशियों भरी जिंदगी जिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इन लोगों की तरह एड़ियां घिस घिस कर जिए तो वो तो आपकी मर्जी। ए अरविंद तेरी सारी मेहनत बेकार गई, तेरे मामा को तेरी बातों में बिल्कुल भी विश्वास।
विश्वास हो गया, तूने जो सोचा था वो तो हो गया। Yes. बदले मेरे दिन ये, बदले मेरे रातें, सपने जो थे देखे पूरे हो गए सारे। दुनिया देख ले मैं तो बदल गया, आंखों में छा गई रंगीनियां। तू जो मुझे मिला मेरी ये जिंदगी ऐसे बदल गई कोई देखे। यहाँ का मैं हो गया देखो दुनिया वालों। महाराजा 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 महाराजा। कहाँ से मैं गिरा कहाँ पे पहुँचा, ऐसे लगा जैसे मैं उड़ रहा हूँ। कैसा था जीवन मेरा ये पहले, इस आनंद मैं ले रहा हूँ। चलता है जब कोई दुनिया के संग संग, वो ये उठाता है जीने का मजा। किस्मत से मिला मौका ये तुझे फिर, काहे तो उठाए दुखों की सजा। तेरे ही संग मिला के कदम, बदली है ये जान तेरी कसम। यहाँ का मैं हो गया देखो दुनिया वालों। महाराजा 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 महाराजा। चल जाता है मन अंदर ही अंदर। साधु साधा ये जीवन मेरा, चारों तरफ अब लड़कियों का घेरा। मौजों की मस्ती में चीले ओ दीवाने, कल को क्या हो किसको पता। ऐसा ही होता है दिन जब बदलते वक्त का खेल, यहाँ देखो तो जरा। मेरी खुशी से तू क्यों जला, किस्मत से मुझको ये सब मिला। यहाँ का मैं हो गया देखो दुनिया वालों। महाराजा 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 महाराजा। क्या हुआ, आंखें फटी की फटी रह गई? अभी दिखाता हूं। Mahawaja classic basha chick fighting me to see who's hotter. Faster, better, I'm cheesy like the cheddar. Got you a speck like the capital letter. Watch out, I'm taking your chicks. I'm taking your skin, but I'm like bricks. Shit bricks, cause the water is born. Long hair, man, who's the top of the tone. Yeah, yeah, Maharaja. सर ये देखिए सर। सर ये वाला? नो नो मिस्टर रॉबिन, तुम मेरा टेस्ट समझ नहीं पा रहे हो। मैं तुमसे कुछ नया दिखाने को बोल रहा हूँ और तुम वही घिसा पिटा मुझे दिखा रहे हो। आई वॉन्ट समथिंग न्यू। समझ गया, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल लगने चाहिए, यही ना? करेक्ट। तो ये देखिए, ये एकदम लेटेस्ट है।
Wow, great. This is what I want. Mahawaja, classic basha, chick fighting me to see who's hotter. Faster, better, I'm cheesy like the cheddar. Got you respect like the capital letter. Watch out, I'm taking your chicks. You in the game, but I got the tricks. Shit tricks, cause the waja is born. Blonde hair man, who's the talk of the town? Yes, 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 man. Ab main is chote se ghar mein nahi reh sakta. फुटबॉल खेलने जैसा एक बहुत बड़ा स्पेशियस बंगला, वो भी समुद्र के किनारे या 50वीं मंजिल पर जहाँ से मुझे पूरी दुनिया दिखाई दे। अरे नहीं नहीं नहीं, इस छोटी सी कुटिया में नहीं रह पाऊंगा। ओके ओके, कीमत चाहे कितनी भी हो। हाँ, ये लीजिए कॉफी। ये क्या किया, अभी तक तो हेयर स्टाइल दूसरे तरह की थी, फिर से बदल दी। वो पुराना मॉडल था, ये नई स्टाइल है। नए ट्रेंड के साथ खुद को बदलते रहना चाहिए। तेरी समझ में नहीं आएगा, मैं चलता हूँ। कॉफी तो पी लीजिए। ये कॉफी है, ये कड़वा पानी ले जाकर बाहर फेंक दे, पेड़ों में मत डालना, पेड़ मर जाएंगे। तुम अभी भी मुझे पुराना खटारा स्कूटर वाला महादेव समझ रहे हो? आई एम द चीफ अकाउंटेंट वन ऑफ द टॉप मोस्ट आईटी कंपनी। चलो, क्या बात है महादेव, आज इतनी जल्दी जा रहा है? हाँ। तू इस ड्रेस में कैसा लग रहा है पता है? बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह लग रहा है। चलो तुम तो समझ गए। अच्छा वो तो ठीक है, शाम को जब तू आएगा ना, नसवार का पाउडर ला देगा क्या? ये नस्वार लाने के लिए या बीड़ी लाने के लिए अब से मुझसे कहा ना तो पटाखे लटका दूंगा, समझ गए? ये बात है। वेरी गुड वेरी गुड। Watcha classic basha chick fighting me to see who's hotter. Faster, better, I'm cheesy like the cheddar. Got you respect like the capital letter. Watch out, I'm taking your chicks. You in the game, but I got the grits. Shit bricks, cause the water is born. Hum aap pata nahi kab aayenge yaar, bhook lag rahi hai, kuch kha lete hain. Hi, Arvind. क्या हुआ मैन, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, आपकी पुरानी वाली हेयर स्टाइल। बदल दिया? तूने मुझे ही बदल दिया, मैं क्या अपने बाल भी नहीं बदल सकता? यस सर। मेनू रेडी सर। देखिए सर। क्यों, तुम पढ़ के नहीं बताओगे? पढ़ता हूँ सर। उस दिन तो बड़ा बोल रहा था पढ़ना। ओके सर। सर ये मटन पिज्जा है सर, चिकन पिज्जा है सर, वेज सुप्रीम पिज्जा है सर, ग्रीन वेजिटेबल। इसमें जो है सब एक एक प्लेट लेकर आ। ये सब मैं अकेला कैसे खाऊंगा, यही सोच रहे हो ना? ये कौन सा पिज्जा है? ये चिकन सुप्रीम पिज्जा है सर। ये क्या चिकन पिज्जा है? इसमें चिकन का एक टुकड़ा भी नहीं है। उल्लू कहीं का। वेजिटेबल स्पाइसी पिज्जा। ये सब क्या है? बहुत तीखा है, सिर्फ मिर्ची डाल के रखी है। ये अच्छा, ये वाकई में बहुत अच्छा है। बाप रे। लेकिन अब मेरी भूख ही मर गई। ये ले सर, बिल 3000 से ऊपर होगा सर। ए, ये तेरी टिप्स है मैन। टिप्स 2000 रुपए? ये क्या है यार, पता नहीं ये और कितना पकाए। इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, ICICI और ये एक्सिस बैंक, यहाँ जो भी कार्ड चलता है उठा के ले जा। हाँ ओके सर। एक ही ले रहा हूँ। हे अरविंद, ये कुछ ओवर नहीं दिख रहा है? सही कहा, मैंने कहा कहा कि ओवर नहीं है, इस दिल की जो इच्छाएं है ना वो पूरी कर रहा हूँ। छी, पिछले हफ्ते ही तो सर्विस कराई थी, ये बार बार ऐसे परेशान क्यों करती है? हाँ? हे अरविंद, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों, तुम्हें दिख नहीं रहा है, गाड़ी खराब हो गई है तो उसे ठीक कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, पर तुम क्यों कर रहे हो? हे कम ऑन, तुम्हारे लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम रहने दो। हे डोंट वरी, ये गिव एंड टेक पॉलिसी में नहीं आएगा मैडम। ठीक ऐसे ही, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, लड़कियां मेरे पीछे एकदम दीवानी रहती थी। आपने कौन से साल में कॉलेज पूरा किया था? बता क्यों नहीं देते, कॉलेज के कैंपस इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर सीधे यहाँ आ गए। ओके गर्ल्स, आई विल सी यू देयर इन कैंटीन। ओके ओके। ए रति, हेलो, साफ कर देता हूँ, लार टपक रही है, जलन हो रही है। अच्छा ये बताओ, अपना अरविंद कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा? देख लिया, छूते ही गाड़ी एकदम ठीक हो गई। थैंक्स। ये गिव एंड टेक पॉलिसी में नहीं आता, ये तो मेरा बड़प्पन था।
लेकिन उसके लिए क्या ऐसी चली जाओगी? एक कॉफी। ओह सॉरी। तुम पी लेना, बाय। हे, अरे सुनो प्रिया। शिट। अब ये शिट नहीं है, उस लड़की ने तेरे लगा दिया रिवेट। क्यों रे, इतनी बड़ी कंपनी का तो सीईओ है और तू जा जाके। तू क्यों बेकार में चिल्ला रहा है, उसका पर्सनल मैटर है। मेरे पास वैसे ही लाइफ एंजॉय करने का टाइम नहीं है। कम ऑन फ्रेंड्स, बाहर में अपने लिए एक टेबल वेट कर रही है। गुड नाइट फ्रेंड्स, जरा एसी डाल देना। हे, ये वाली कार बहुत अच्छी है, तू यही ले ले। अरे बाप रे, अरविंद ने यही कार तो तेरे लिए खरीदी है। क्या, मेरे लिए? हाँ, कार खरीदनी है बोल के रेखा तुम्हें यहाँ बुला कर लाई है, वो अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मुझे कार चाहिए ऐसा मैंने तुमसे कहा ही नहीं। तो क्या हुआ, यहाँ पर तो तुमसे भी कम सैलरी लेने वाले लोग जब कार से आते हैं, तुम क्यों भला उस खटारा स्कूटी पर आती हो? देखो प्रिया, गिव एंड टेक पॉलिसी का बहाना बनाकर इसे अवॉइड मत करो प्लीज। ये कार रख लो, उधार मानकर या कॉम्प्लीमेंट, जैसा भी तुम चाहो, ओके? तुम मानोगे नहीं। चलो समझ तो गई। ठीक है, लाओ। गुड। थैंक यू। यू आर वेलकम। ए प्रिया रुको, तुझे, अरे ये तुम कहाँ जा रही हो? ए, ओ, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट जहाँ पहुँचना चाहिए था मैंने पहुँचा दिया, ओके? तुम्हारे गिफ्ट के साइज में भले ही फर्क हो, लेकिन तुम्हारे देने का जो पर्पस था उसको मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, सो डोंट रिपीट दिस प्लीज। ये अरविंद पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। ओ ओ प्लीज। मैंने कहा था ना कार के बहाने इसे सेट करना चाहता है। क्यों रे, लोचा हो गया ना? हेलो माय स्वीट लिटिल बॉय। अंकल क्या हो गया? सुन के चौंक जाएगा, काशी जाने की उम्र में कैलिफोर्निया जा रहे हैं। अमेरिका के हेड ऑफिस में काम करने वालों की जो हमने लिस्ट भेजी थी उसमें इनको सेलेक्ट कर लिया है। रियली? यस। सब लोग जिस लिबर्टी स्टैच्यू को नीचे से देखते हैं उसके ऊपर से मैं गुजरूंगा। अमेरिका जो सब पर हुकूमत चलाना चाहता है वो मेरे कदमों के नीचे होगा। आई एम फ्लाइंग। बताने की हिम्मत नहीं है तुझे, डांस सूझ रहा है, चल निकाल पैसे निकाल। प्लीज मारना नहीं। बता पैसे कब देगा, आज पैसे लेके ही जाएंगे। मिस्टर, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसे बाहर जाके सुलझाओ, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये हमारा आपस का मामला है, अपना मुंह बंद रखो। मुंह बंद करके रहूं? ए धुलाई कर इसकी। साले कपड़े पहनने की तमीज नहीं, दूसरे पे हाथ उठाता, दूसरों पे। ए क्यों मारा बस? मैं अपने जन्नत जाने की खुशी में यहाँ पे पार्टी मना रहा हूँ, देख रहे हो ना? अपनी प्रॉब्लम लेकर यहाँ से बाहर निकलो, चलो चले, गेट आउट। ए तेरी अपनी प्रॉब्लम है ना, उसे अपनी जगह पे रख, अब यहाँ से जा। Bloody idiot. माया सॉरी, कम लेट्स डांस। तुम मेरे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, खुद को मत बोलते हो, जाओ यहाँ से। माया दरअसल प्लीज गो इडियट। धूम मचा दी आपने अंकल। डांस से धूम मचा दी, अगर रिवर्स हो गया होता ना तो सारी उतर जाती। वो इस महादेव पर रिवर्स हो जाएंगे, सब बेकार है, सिर्फ पुकारना जानते हैं। इडियट्स। हाँ, मर्द हो तो इस जैसा हो।
हाय प्रिया। हाय। मैं आऊंगा ऐसा सोचा नहीं था ना, तुम आओगी ये मैंने भी नहीं सोचा था। अच्छा चलो अच्छा हुआ, शॉपिंग की हैबिट है क्या तुम्हें? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, पिताजी बेकार होंगे, माँ हार्ट पेशेंट होगी, बड़ा भाई आवारा, छोटे भाई को दिखता नहीं है, तुम्हारी एक दीदी है और तुम घर की लाडली हो, इसलिए सबके सब ये लाओ वो लाओ बोलकर तुम्हें फरमाइश करते होंगे। तुम्हारे सिर पर इतना बड़ा बोझ है इसलिए शायद तुमने कार लेने से मना कर दिया होगा। अब अगर देखा जाए तो ये भी तो बेकार का ही खर्च है ना। तुम यही जानना चाहते हो कि मैं अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह कहाँ खर्च करती हूँ, तो ठीक है तुम्हारे ये डाउट भी मैं क्लियर कर देती हूँ। चलो दीदी दीदी मुझे दो ना, सबके लिए लेकर आई हूँ मैं, रुको देती हूँ। ये लो तुझे कैलकुलेटर चाहिए था ना, रख ले। थैंक यू दीदी। दीदी मेरी गन। प्रिया के बारे में मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है। इस छोटी सी उम्र में अपने बारे में जरा भी सोचे बिना फुटपाथ पे घूमने वाले इन अनाथ बच्चों के भविष्य के लिए वो अपनी पूरी तनख्वाह खर्च कर देती है। एक ही मार्क्स से सेंटम रह गया। ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलो घंटी बज गई, खेल कूद बहुत हो गया, अपनी अपनी किताबें लेकर अब पढ़ाई करने। हाँ, चलो 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 जाओ, मुझे जाके असेंबल करना है, मैं चलती हूँ। ओके मैम। चलती हूँ। ओके। अब समझ में आ गया ना मैं अपनी तनख्वाह का क्या करती हूँ। लेकिन ये सब मैं ये सब क्यों करती हूँ यही जानना है ना। वेरी सिंपल, भगवान अगर 100 लोगों को पैदा करता है तो उनमें से एक को ही सारी दौलत देकर बाकियों के बारे में सोचता ही नहीं है, और उस एक की तरह जब हम अपना जीवन नहीं बिता पाते हैं तो हम सभी उससे जलन करने लगते हैं और उसी में ही सारा जीवन बीत जाता है। और वो एक अगर चाहे तो अपनी दौलत से दूसरों का भविष्य बदल सकता है, लेकिन वो ऐसा सोचता ही नहीं है। वो चाहता है कि अपनी दौलत से वो खुद ही एंजॉय करे, उसके लिए दारू पीना, डांस करना, और अंत में वो दौलत किसी के काम नहीं आती और वो ऊपर चला जाता है। ऐसी जिंदगी जीने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं जो भी कमाती हूँ वो कमाई 4 लोगों के काम आनी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से अगर देखा जाए तो इन बच्चों के लिए अब तक तुमने बहुत सारा खर्च कर दिया होगा ना। दूसरे जो बेकार का खर्च करते हैं अगर उससे कंपेयर करूँ तो ये कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल खुद को ही देख लो। खुद को? और नहीं तो क्या, तुम डेली शराब पीते हो ना, उसका एक पैक कम से कम 300 रुपए का तो होगा ना, और उसी 300 रुपए में यहाँ रहने वाले 300 बच्चे भरपेट खाना खा सकते हैं। जब एक पैक की कीमत इतनी है तो तुम जो डेली पीते हो उससे तुम कितने लोगों का खाना छीन लेते हो, जरा खुद ही सोच के देखो। ये क्या बोल रहा है यार, दारू नहीं चाहिए? हाँ सच में यार, आज तक मैं सोच रहा था कि मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिली हैं, लेकिन कोई भी इंसान जो सचमुच की खुशी पाता है उस खुशी के बारे में तो आज प्रिया से जाना। जरा सा नशा पाने के लिए हम इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, इससे कितने लोगों का पेट भर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दारू पीकर धमाल मचाना, जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है यार। वो तो ठीक है, तू इस तरह से फील करेगा ऐसा सोचकर वो तुझे घास नहीं डालने वाली है। आज तक तू यही बोलता आया है कि तू कुछ भी करके प्रिया को अपना बना लूंगा, लेकिन उसने तो तेरा रूट ही बदल दिया। एक बात तो समझ गया, अभी तक तू जितना उसके पीछे घूमा है उससे ज्यादा घूमने वाला है, क्यों है ना? सही कह रहा है, अब प्रिया ही मेरी जिंदगी है। आई लव प्रिया। मैक्सिकन लेडी तू बस जा मेरी सांसों में, ये दिल धड़के तेरे ही दम से। मैक्सिकन लेडी तू बस जा मेरी सांसों में, ये दिल धड़के तेरे ही दम से। तुझे देख के दिल मेरा उछले, पास आने को तेरे मचले, कब तक मैं भटकूंगा ऐसे ही। जगा दो प्यार को, पहचान ले अपने यार को, ले ले प्यार के बदले मेरी जान भी। मैक्सी मैक्सिकन लेडी तू बस
जा मेरी सांसों में, ये दिल धड़के तेरे ही दम से। मैक्सिन मैक्सिकन लेडी तू बस जा मेरी सांसों में, ये दिल धड़के तेरे ही दम से। तेरी बातों से ही तो मैं क्या करूँगा, इन कदमों से है मिले कदम तो मैं क्या करूँ यार। लड़के तेरी बातों से ही तो मैं क्या करूँगा, इन कदमों से है मिले कदम तो मैं क्या करूँ यार। बाहों में समा जाके दिल में राय चाहे, दूर दूर रह के क्यों तू बेरहम सता। मैक्सी मैक्सिकन लेडी तू बस जा मेरी सांसों में, ये दिल धड़के तेरे ही दम से। मैक्सी मैक्सिकन लेडी तू बस जा मेरी सांसों में। देखोगी तो मैं क्या करूँगा, तेरे शानों पे सर रख कर मैं तो मर ही जाऊँगा। प्यार के बदले प्यार मिले तो जिंदगी का मजा, घर जो ना मिले मुझको तू तो ये मेरे लिए सजा। तेरे पीछे पीछे आए दिल मेरा ये पगला, दिल ये ना पसी जा तेरा ना ही दिल ये बदला। किसको है मरने की घुट घुट करा है हरने की, जीवन सुना होगा अगर ना पाया तेरा प्यार। मैक्सी मैक्सिकन लेडी तू बस जा मेरी सांसों में, ये दिल धड़के तेरे ही दम से। मैक्सी मैक्सिकन लेडी तू बस जा मेरी सांसों में, ये दिल धड़के तेरे ही दम से। आसाने को तेरे मचले कब तक मैं भटकूंगा ऐसे ही। मैक्सी मैक्सिकन लेडी। ओहो हो हो हो, वो सब मुझे सूट नहीं करेगा। hey, सिर्फ फेशियल और ब्लीचिंग है, ये दोनों करने से तो क्या मैं भी जवान हो जाऊंगी? सुनिए, ये जवानी के चोंचले अपने तक ही रखिए, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए, बड़े आए मॉडर्न बनाने वाले। ये कभी नहीं बदलेगी। I'm sorry. It's okay. आपको I'm sorry. आपके बॉयफ्रेंड को मैंने ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो किया बिल्कुल सही किया, मर्द आपकी तरह ही होने चाहिए, इसलिए मैंने उसे वहाँ से भगा दिया। एक्सक्यूज मी सर, न्यू हेयर स्टाइल डिजाइन सर। एक्सक्यूज मी, क्या आपके लिए? यस, मॉडर्न ट्रेंड के साथ अपने स्टाइल को बदलना मेरी आदत है। आई लाइक दैट। इफ यू डोंट माइंड, आपके लिए मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ? लाइए। दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड।
ये वाला देखिए, इट्स रियली नाइस, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। सर ये तो ऑलरेडी आपने, क्या हुआ, ऑलरेडी वाली क्या बात है? जो डिजाइन मैंने सेलेक्ट किया था मैडम ने भी वही डिजाइन सेलेक्ट किया है। व्हाट अ कोइंसिडेंट, यही बोलना चाह रहे हो ना? हमारे जैसे यूथ का टेस्ट एक जैसा ही होता है। जाओ जाओ, इस वाले स्टाइल के लिए तैयारी करो। ओके सर। बुड्ढा क्या पलटी मारता है रे, जवान बनने का शौक चढ़ गया है। हाउ इज इट? एक्सीलेंट, लेट मी सी, इट्स रियली नाइस। आ रही है, जाके अपने लव के बारे में बता दे। ए, कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है यार। अरे मुंह से बोलना यार, जब गलत काम करने का सोचा तो हिम्मत कहां से आ गई थी? अब सिंसियरली लव की बात है और तू सोच रहा है, जाके बता देना। देखना प्रिया आई है, जैसे हम लोग आए हैं वैसे प्रिया भी। स्टॉप, तुम मुझे यहां फॉलो करते हुए आए हो ना? दरअसल प्रिया, ये बात सच है या नहीं? हां वो तो सच है, एक्चुअली प्रिया आई लव यू। क्या लव कहने के लिए चीजें दे देकर मुझे फांस नहीं पाए, तो ये फांसने का दूसरा तरीका है? ऐसा नहीं है प्रिया, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं सिंसियरली तुमसे। बस करो अरविंद, तुम्हारी लिस्ट में मेरा नाम नहीं होना चाहिए, ये मैं तुम्हें पहले ही समझा चुकी हूँ, लेकिन एक तुम हो कि क्या हुआ ब्रदर, ओपन मार्केट बिजनेस है क्या, हम भी शामिल हो जाए? एए! पैसा दे देंगे यार। भाग 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 अरविंद, क्या यार अरविंद, इतनी सी बात के लिए तुमने उन लोगों को मारा क्यों? ये क्या कह रही हो, उन लोगों ने तुम्हें... ना कि उन लोगों ने गलत बिहेव किया, तुम भी तो वैसा ही ट्राई करते हो ना, पहले तुम अपनी गलती सुधारो। बड़ा आया रोमियो कहीं का। अरे थोड़ा आराम से चलाइए ना। क्यों माया, बाइक राइड कैसी लगी? सुपर। लेकिन एक बात बताइए, एसी कार छोड़कर अचानक से बाइक पर आने का क्यों डिसाइड किया? जहाज की तरह कार क्यों ना हो, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को पीछे बिठाकर बाइक चलाने में मजा अलग है। बस 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 बस, पर अब से बाइक पर नहीं कार में ही आएंगे, हमारे स्टेटस को वही सूट करता है। ओके फाइन। यार इतना ट्राई करा फिर भी कुछ नहीं हो पाया। डार्लिंग जरा बाइक पर बैठो। क्यों, मूवी नहीं देखनी है क्या? देखेंगे, लेकिन उससे पहले उन लड़कों को मैं एक फिल्म दिखाना चाहता हूँ। किन्हें? आजा बैठो। लड़कों की तो हवा ही निकल गई। तेरे मेरे बीच। अरे नमस्ते साहब। गुड इवनिंग, तुम्हें कहीं देखा है? मैं हूँ शांति सिंह, यहाँ के कुछ घरों का मकान मालिक हूँ। नमस्ते नमस्ते। सॉरी साहब जी, मुझे माफ कर देना,
उस दिन मैंने ऐसा वैसा बोलकर आपके मन को बहुत दुख पहुंचाया। आप मेरे घर में जब तक चाहो रह सकते हो, मुझे सेवा का मौका दो। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे ने एमसीए की पढ़ाई की है, गोल्ड मेडलिस्ट है, अगर इसे अपनी कंपनी में कोई अच्छी सी नौकरी दिला देंगे तो। ओ, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने एमसीए में गोल्ड पाया ना? जी हाँ सर। प्योर गोल्ड है या रोल गोल्ड? प्योर गोल्ड सर। उसे जोर से घिसने से चमक आती है ना? हाँ आती उसी है। तरह से मेरी कार साफ करके रखो और कल आके तुम मुझसे मिलना। See you tomorrow। कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर रहा है। एक मिनट, उस लड़के से अपनी कार साफ करवाए बिना जूते साफ करवाते तो और भी खुशी मिलती ना। आप अच्छे खासे थे ना, ऐसे क्यों बन गए? आपको अपना पति परमेश्वर मानने वाली पत्नी को धोखा देकर इधर उधर की लड़कियों के साथ घूमते हुए मैंने आपको देखा है। उस दिन आपने कहा कि मेरा पति बच्चों की तरह हरकत करता है, कम से कम वो ठीक तो है, बच्चों की तरह है तो क्या हुआ। लेकिन आप उन बच्चों से भी गए गुजरे हैं। सुनो, एक पड़ोसी की जो लिमिट होती है ना, उसी लिमिट में रहना, ये मेरा पर्सनल है, उसमें टांग मत अड़ाना। हाँ, इंसान बनकर रहने के लिए कहा, जानवर बनना चाहते हो, बनो मेरी भला से। ये कितने का है? 5 का। और ये? ये 10 रुपए का है। क्या 30 रुपए का है? 30 का नहीं है, 10 रुपए का है। ए सुब्बो, ए चिल्ला मत, खाने जा रहे हो मुझे, थोड़ो उतारो मुझे। ए सुब्बो, महादेव तुम? ए महादेव, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें भी किडनैप करके ले आए हैं क्या? तुम जरा भी चिंता मत करना, यहाँ से हम दोनों आराम से भाग जाएंगे। आ जाओ सुबह। इस महल से बच के भागने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ना? एनर्जी चाहिए? बेबी के हाथों बूस्ट पीने से ही मुझे एनर्जी मिलती है। भुज्जी तो यहाँ नहीं है ना? तो फिर मैं क्या करूँ? ये है ना, इसे पीने से बहुत एनर्जी मिलती है, वहाँ देखो पूरी बोतल भरी हुई है। तो मैं उठा लूँ? That's good, that's good। अच्छा, मुझे किसने बदला? मैंने। किस लिए? तुम्हारी उम्र आधे से ज्यादा कम हो गई है, अब तुम जवान बन गए हो, यूथ, मेरे जैसे यूथ। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, ये तो सुबह की आवाज़ ऐसी लग रही है। चल चल रे नौजवान, तुम मेरे रास्ते में क्यों आ गया? चल साइड में जा। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान। मैडम, तुम्हारे पति का नया अवतार कैसा लगा? देख के शौक लगा? अरे मेरे डार्लिंग, कौन है? इधर हो, जल्दी बाहर आओ। अब एक बात जान लो, हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है, माँ का मिलते ही बाहर आ जाता है। आज तुम्हारे पति के अंदर से केवल बिल्ली बाहर आई है, कुछ ही दिनों में शेर भी आ जाएगा। अरे बेबी आ गए, चल चल रे नौजवान, तुझे मजा आ गया, चल चल। ये क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? अरे डार्लिंग, तुम यहाँ, तुम अभी तक बदली नहीं क्या? चलो डार्लिंग। अच्छा मेरी बात सुन, अगर आज कुछ लड़कों ने आकर तेरे साथ बदमाशी की तो तू झट से मुझे एक सिग्नल दे देना। क्यों, क्या तू उन्हें मारने वाला है? अरे ताकि मैं भाग जाऊं। अरे चे, चल। ए कुमार, जैसा मास्टर कर रहे हैं वैसा करो, एकदम गलत गलत कर रहा है। ओ, ये दोनों यहाँ भी पहुँच गए, चलो हम चले। हे प्रिया रुको ना। ए, तो मुझे अवॉइड करने का फैसला तुम नहीं बदलोगी ना? जानते हो ना, तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मंदिरों में जाकर चक्कर लगाने का टाइम नहीं है ना, इसलिए ये तुम्हारे चक्कर लगा रहा है। बढ़िया है पूछने वाली। कोई इंसान अगर किसी लड़की के मन में कंप्यूटर वायरस की तरह बस जाता है ना, तो उसको ये लड़कियां इसी तरह से समझाती हैं। जब देखो पीछा मत कर, पीछा मत कर, यही बोलती रहती हो ना। ये क्या कहना चाहता है सुन तो लो। मैं क्यों सुनूं? जो चाहिए था नहीं मिला, इसीलिए इधर उधर के प्यार की बातें करेगा, तो क्या मैं सुनती रहूं? ओहो प्रिया, तुम अभी भी मुझे गलत समझ रही हो। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने एक सच्चा और साधारण इंसान बनकर आया हूँ। इंसान बन गए, जबकि तुम इंसान का मतलब भी नहीं समझते। वो सब समझता है, इसका बदलाव ना समझकर तुम इसकी इंसल्ट कर रही हो। ये शुरुआत में जो था और अब जो है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ए, तू चलना, इधर चुप रहेगा यार। अभी और भी कुछ सुनना बाकी है, इसे भले इंसान अच्छे नहीं लगते हैं, तो चलना यार। ये क्या बोल रहा है यार, एक तो वो बेचारी ना समझ है और ऊपर से तू उस पर गुस्सा हो रहा है। और नहीं तो क्या, जब देखो एक ही नजर से देखेगी गुस्सा नहीं आएगा, उसे समझना होगा तो समझ लेगी, तो चल।
प्रिया, अब वो पहले की तरह नहीं रहा। मुझे लगता है कि अब वो बदल गया। अरे चल, अरे कमान 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 गाइस, कमान कमान गाइस, कमान कमान, ए कमान कमान। डियर व्यूअर्स, अगला जो प्रोग्राम है वो लवर्स के लिए एकदम स्पेशल है। मैं अभी से कह रही हूँ, फिल्म अच्छी हो या बुरी, पूरी फिल्म देखकर ही आएंगे। फिल्म अच्छी होगी तो फिल्म ही देखूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें देखता रहूंगा। बहुत बढ़िया थी। कम, लेट्स गो। लड़के अपनी अपनी लवर्स को पीठ पे बिठाकर दौड़ेंगे, जो जीतेंगे वो इस हफ्ते के सुपर लवर्स कहलाएंगे। डार्लिंग, क्यों ना हम भी सुपर लवर्स बनकर देखें? आर यू सिली? ये सब करने की क्या जरूरत है? नो नो। क्यों? मुझे उठाकर नहीं भाग सकते क्या? आजा बाहों में आजा, प्यार की तू है मधुशाला। आजा बाहों में आजा, मैं आजा, मैं आजा। तेरे प्यार का जादू चला, मैं तो हो गई तुझ पे फिदा। तेरे प्यार का जादू चला, मैं तो हो गई तुझ पे फिदा। तेरे ख्यालों में ही, तेरी ही बाहों में ही, मेरा ये दिल तुझ में डूबा। तेरे ख्यालों में ही, तेरी ही बाहों में ही, मेरा ये दिल तुझ में डूबा। आजा बाहों में आजा, प्यार की तू है मधुशाला। आजा बाहों में आजा, तेरे प्यार का जादू चला, मैं तो हो गई तुझ पे फिदा। तेरे प्यार का जादू चला। मेरी जवानी तेरे ही मिलन को तरसे, तन की ज्वाला आके तू बुझा जा। आजा बाहों में आजा। मेरी ये जवानी तेरे ही मिलन को तरसे, तन की ज्वाला आके तू बुझा जा। आजा बाहों में आजा। ओ मेरे छेला, मैं तेरी लैला, अब हम तो है दो बदन एक जान। ओ मेरे छेला, मैं तेरी लैला, अब हम तो है दो बदन एक जान। तेरे प्यार का जादू चला, मैं तो हो गई तुझ पे फिदा। तेरे प्यार का जादू चला, जमाना हमको मिलने से भले ही रोके, तोड़ के तू सारे बंधन आजा। आजा बाहों में आजा। ये जमाना हमको मिलने से भले ही रोके, तोड़ के तू सारे बंधन आजा। आजा बाहों में आजा। है ये जवानी तेरी ही प्यार,
प्यासी बाहों में भर ले ओ साजना, है ये जवानी तेरी ही प्यासी बाहों में भर ले ओ साजना, तेरे प्यार का जादू चला जादू चला, मैं तो हो गई तुझ पे फिदा, तेरे प्यार का जादू चला जादू चला, मैं तो हो गई तुझ पे फिदा, तेरे ख्यालों में ही तेरी ही बाहों में ही मेरा ये दिल तुझ में डूबा, तेरे ख्यालों में ही तेरी ही बाहों में ही मेरा ये दिल तुझ में डूबा, आजा बाहों में आजा, प्यार की तिल है मधुशाला, आजा बाहों में आजा, में आजा, में आजा। धीरे धीरे। क्यों अंकल, ऐसा आपकी कमर में क्या हो गया कि आपको अचानक झटका लग गया? क्यों नहीं लगेगा, इस उम्र में जो नहीं उठाना चाहिए उठा लिया होगा, इसलिए कमर में झटका लग गया। ये तो महादेव जैसा दिख रहा है। ए, महादेव, टीवी में एक आदमी तेरे जैसा ही दिख रहा है। कौन है वो? उसका नाम है माया, मेरी गर्लफ्रेंड। उससे तुम्हें कोई परेशानी है, हैं? देख लिया ना पिताजी, जो नहीं करना चाहिए वो करके पूछ रहे हैं कि हमें क्या परेशानी है। उस लड़की के साथ इसका चक्कर है, साफ साफ बोल रहा है। हे अरविंद, तेरा मामा तो बहुत बड़ा रसिया निकला, छड़ी पकड़कर चलने की उम्र में फुलझड़ी पकड़ ली। ए, चुप रह। इस परिवार की सारी जरूरतें मैं पूरी करता आ रहा हूँ, मैं कभी तुम्हारी खुशियों के बीच में खड़ा नहीं हुआ। उसी तरह मेरी खुशियों के बीच में खड़ा होना मुझे पसंद नहीं, इसलिए ये बात यहीं खत्म करो, यही अच्छा रहेगा। अरे मोहन, कोई बहुत सॉलिड पार्टी आ रही है, उसे मैं संभालता हूँ। पेट्रोल खत्म हो गया क्या? ठीक है। ए, रुको रुको रुको, क्यों भाई दिमाग से पैदल हो क्या? अरे थक गया। मेरी गाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या करना चाहते हो, वो भी जब मैं धक्का मार रहा हूँ। चेक करना है। क्या चेक करना है? करो चेक, चेक करो। चलो लाइसेंस दिखाओ। चलो लाइसेंस, करो चेक, मेरा ही है। ये तो किसी और का चेहरा है। क्यों रे, तुझसे तेरा लाइसेंस मांगा तो तूने किसी और का लाइसेंस मुझे दे दिया। चल अपना लाइसेंस दिखा। क्या हुआ मैन, सुबह सुबह दारू पी लिया क्या? फूंक मार, चल चल फूंक मार, कम ऑन। तुझे देखने से लगता है कि तूने चढ़ाई हुई है और पुलिस वाले को फूंक मारने के लिए बोलता है। चल तू मार। मैं फूंक मारूं? तो आजा राजा। चल जल्दी फूंक मार। रात को मैंने जो चढ़ाई थी उसकी बदबू से यह खुद बेहोश हो गया, ऐसे पुलिस वाले क्या करेंगे? सर सर, ये अरविंद, अरविंद, अरविंद स्टॉप। क्या बात है अरविंद, आजकल हमसे दूर दूर रहते हो, शॉपिंग चले? गीता, आइंदा मुझे इन सारी बातों के लिए मत बुलाना प्लीज। अरविंद, अरविंद रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। क्यों रे अरविंद, को क्या हुआ? वो एकदम बदल सा गया है, घास ही नहीं डालता है। मैंने तो पहले ही कहा ना, उसे किसी से प्यार हो गया होगा, इसीलिए हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है। दिल तो कर रहा है जाकर उस अरविंद को थप्पड़ मार दूं। अभी तक तो प्ले बॉय बनकर घूम रहा था, ये अचानक प्यार कहां से आ गया? वो अरविंद अपने स्वार्थ के लिए प्यार का नाम बदनाम कर रहा है। हेलो मैडम, किसी की पीठ के पीछे ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। किसी से गलती हो जाए तो हमेशा गलती करता रहेगा, ये सही बात नहीं है। अगर वो प्ले बॉय बन के ही रहता तो आज अच्छा रहता, तेरी बातों के चक्कर में पड़ के आज वो तकलीफ उठा रहा है, इसकी जिम्मेदार तू है। हेलो, ये सब मैं जानती हूँ, अपने फ्रेंड के लिए मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। तू चल रही, कभी नहीं सुधरेगी। ओके डियर, तुम निकलो। ये क्या कह रहे हो डार्लिंग, ऐसे घर में तुम कैसे कंफर्टेबली रह पाते हो? तुम चलकर मेरे घर में भी रह सकते हो ना। ओ डार्लिंग, ये तो मुझे अच्छा लगेगा।
लेकिन बार बार आके जाने से यहाँ इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। देख लिया okay, darling, वो इस चुड़ैल को घर पे भी ले आया। बाय गुड नाइट। इनकी उम्र क्या है, तेरी उम्र क्या है? ये उनकी पत्नी है, ये उनके पिता है और मैं उनका लड़का हूँ। इतना बड़ा परिवार होते हुए तू इनके पीछे क्यों घूम रही है? शर्म नहीं आती? क्या हो गया? छोटा बच्चा है इसलिए छोड़ दे रही हूँ, नहीं तो मैं ये पसंद करती हूँ और ये भी मुझे पसंद करते हैं। अगर ये मुझे जाने के लिए कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी। शांत हो जाइए, इंसान को अकल नहीं है ना। समझदार है ना, इसे मैं देखता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत है? मेरे बेटे पर हाथ नहीं डालूँगा। Be careful. हाय बच्चों, क्या बात है, सब चुपचाप क्यों हो? वहाँ देखो ना दीदी, आपसे जगह खाली कराने में दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन क्या करें, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। एकदम से खाली करने को बोलोगे तो इतने सारे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे बच्चे फॉरेन में हैं, वो इस जगह को बेच करके साथ में रहने के लिए बोल रहे हैं। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, इसलिए मैं आपसे इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ। ए, अगर तुम चाहती हो वो जगह उन्हें खरीद कर दी जाए तो 50 लाख डोनेशन कलेक्ट करना होगा। करेंगे ना, कोशिश करने पर सब कुछ हो जाता सच है में? मुझे यकीन है। हाँ, कोशिश करने पर सब हो जाता है, लेकिन जिद्दीपन दूर नहीं होता है। तू बिल्कुल चिंता मत कर यार, इस दुनिया में पड़ी हुई लकड़ी उठाने वाले बहुत से लोग हैं। तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक मिल गया। हाँ, बिल्कुल। अंकल, अगर आपने ये जगह हमें खरीद कर नहीं दिलाई होती ना, तो पता नहीं अभी तक हम कहाँ भटक रहे होते। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। ओके, थैंक यू अंकल। हेलो मैम। आओ प्रिया, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ पता नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को। ये क्या कह रही है मैम? ये तुम क्या बोल रही हो प्रिया, ये जगह ओनर बेचने वाला था, अरविंद ने हमें खरीद कर दे दी। तुमने इतने भले इंसान को लाकर हमसे मिलवाया, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैडम, आपके लिए फोन आया है। मैं अटेंड करके आती हूँ। थैंक्स अंकल। अंकल मुझे भी दो ना। जाओ यहाँ से, मैं दूसरा लाकर दूंगी। ये क्या किया प्रिया? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे फांसने की सारी तरकीबें फेल हो गई, तो अब बच्चों के जरिए फांस रहे हो और समझते हो कि मैं फंस जाऊंगी। अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। तुमने सिर्फ मुझे अपने जाल में फांसने के लिए 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। तुम्हारा ये दिमाग खराब हो गया, यही कहना चाहती हो ना? कोई बात नहीं, बोलो ना। दिमाग खराब था इसीलिए तो दुनिया भर का फिजूल खर्च करता था। अब दिमाग भी सही हो गया है और जीना भी आ गया, लेकिन मेरी फीलिंग का एहसास अभी तक तुम्हें नहीं हो पाया। गलती करने वाले हर इंसान को बदलने के लिए एक टर्निंग पॉइंट चाहिए, और अगर मेरा कोई टर्निंग पॉइंट है तो वो तुम हो। तुम्हारे बताए रास्ते पर मैंने मंजिल तलाशनी शुरू की, और उसी की शुरुआत में मैंने ये जमीन खरीद कर दी है। ये मत सोचना कि तुम्हारे मन में जगह बनाने के लिए मैंने ये सब किया है। और इस बात पे मैं यकीन कर लूं? तुम जैसे लोगों को सिर्फ एडवाइस करना आता है, लेकिन दूसरों की फीलिंग की कदर करना नहीं। अगर कदर करना आता तो मुझ जैसे न जाने कितने लोग अब तक सुधर चुके होते। एनीवे, मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। गुड बाय। ऐसा नहीं है प्रिया, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने एक सच्चा और साधारण इंसान बनकर आया हूं। किसी से गलती हो जाए तो हमेशा गलती करता रहेगा, ये सही बात नहीं है। तुम जैसे लोगों को सिर्फ एडवाइस करना आता है, लेकिन दूसरों की फीलिंग की कदर करना नहीं। ए, छोड़ ना, उसी की किस्मत खराब है, दुनिया में क्या लड़कियों की कमी है? नहीं यार, प्रिया मुझसे प्यार नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्यार झूठा है। मेरा दिल सिर्फ उसी के लिए है। ये ले, ये टीका लगा ले। सॉरी अरविंद, मैंने तुम्हें ठीक से समझे बिना कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर दी। आई एम सॉरी।
मुंह मीठा करो। ए, ले लेना यार, लगता है इसका मन बदल गया है। अरे तू मेरी बात मान, ले लेना यार। अरे यार सोच क्या रहा है, ले लेना। मुझे नहीं चाहिए, तू चल यहाँ से। ए, क्या हुआ, तू नहीं खाओगे? आज बचाओ यारो, आज बचाओ यारो, टमक टमा टमक टमा टमा। बजाओ यारो, आज बजाओ यारो, टमा टमक टमा टमा, ये नाच तेरा ढोल तेरी तेज चले शोर मचा, टमा टमक टमा टमा। तूने उमंगो का दीवान जागा है, तेरे ही पीछे दीवाना आया है, आज बजा। क्या है जा निगोड़े, बजाओ यारो, टमा टमक टमा टमा, ये नाच तेरा ढोल तेज चले शोर मचा, टमा टमक टमा टमा। आज बजाओ, आज बजाओ यारो, आज बजाओ यारो, टमक टमा टमक टमा टमा, आज बजाओ यारो, आज बजाओ यारो। बॉयज एक एक करके लाइन में आके प्रैक्टिस करो। ए मदन, तू बॉल लेकर आना। हे हे, व्हाट नॉनसेंस, माया की वजह से मेरे परिवार में समस्या हुई, न्यूयॉर्क जाने का उससे क्या वास्ता? मेरी बात मानिए अंकल, वहाँ जाने पर आपके जरिए कोई समस्या नहीं खड़ी हो जाए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। कम ऑन मैन, यूएसए वीजा और वर्क परमिट आने की खुशी में मैंने एक पार्टी रखी, उसमें धूम मचाएंगे ऐसा एक प्लान बनाया, और तू है कि
उन फटीचरों के बारे में बात कर रहा है? तू पार्टी में आ रहा है या नहीं? सॉरी अंकल, ऐसी पार्टियां करना मैंने छोड़ दिया है। अरविंद, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं अपने हाथों से दारू का ग्लास नहीं पकड़ूंगा, मुझे बीबी ने ऐसी कसम दी है, इसीलिए स्ट्रॉ से पीता हूँ। कैसा लगा? सुपर सुपर, तुम धीरे धीरे इंटेलिजेंट बन रहे हो। स्वर्ग देखना चाहता है? अरे ये वही तो है, दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी। ये पुराना गाना है, नया गाना ऊपर वेटिंग में ऊपर है। ऐसा क्या है? खुद जाके देख लो। ऐसे क्या देख रहे हो, आओ ना। अरे बाप रे। हेलो, मैं महा बात कर रहा हूँ। मेरी बात याद है या नहीं? माँ का मिलने पर तुम्हारे पति का जानवर खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। शेर आ गया है, आकर अपना शिकार कर रहा है। डार्लिंग, छोड़ो मुझे। महादेव, तुमने तो कहा था कि रूम में स्वर्ग है, वहाँ पर तुमने लड़कियों को भेज दिया, ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? यार पैसे क्या आ गए, उससे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? जरा सी मस्ती करने तुम्हारे पास आया और तुमने ऐसी गिरी हरकत कर दी, कैसे इंसान हो? मैं छोटे बच्चों जैसी हरकत करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अपनी पत्नी से विश्वासघात करूँ? ऐसा गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ, उसके लिए किसी और को ढूंढ लो। सही कहा। चलो जाओ। क्या हुआ शेर ने? तो लगता है तुम्हें ही घायल कर दिया। कोई भी मौका मिलने पर हर इंसान तुम्हारी तरह मदद नहीं चाहता, समझ गए ना? अब फोन रखो। हाय अरविंद, कम कम कम, जॉइन मी। एकदम अचानक से कैसे? कल सुब्बू को ले जाके आपने क्या किया? ओह दैट ब्लडी ओल्ड मैन, ब्लडी इडियट। जैसे मुझे तूने एक नई दुनिया दिखाई, वैसे ही मैंने भी उसे दिखानी चाहिए, लेकिन बस अपनी ये रासलीला यहीं पर खत्म कर दीजिए। आई मीन इंक्लूडिंग माया। व्हाट हैपेंड टू यू मैन, ये अचानक से क्या हुआ? तू अच्छा खासा था। इस दुनिया में एक ही बार पैदा होते हैं, और इस दुनिया में जितनी खुशी पानी हो पा लेनी चाहिए, ऐसा तुमने ही तो कहा था। अरे वो सब तो मेरा बचपना था, जो उस वक्त मैंने आपको बिना सोचे समझे ये सब बताया, लेकिन उसे ग्रंथ मानकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आपका अपना एक परिवार है, और वो परिवार आपको भगवान मानता है। उनकी सुख शांति छीन कर आप जो ये ढोंगीपन की और स्वार्थ की जिंदगी जी रहे हैं ना, मेहरबानी करके ये सब बंद कर दो। अरविंद, अरविंद, तुम्हारी ये बात कैसी लगती पता है? जैसे किसी अंधे को आंखें देकर ताजमहल के सामने खड़ा करके कहें कि तू इस ताजमहल को मत देखना, ठीक वैसे ही लग रही है। तूने छोटी उम्र में ही इंजॉय कर लिया, लेकिन मैं अभी अभी खुशी की पहली सीढ़ी पर चढ़ा हूँ। तुम्हारी उम्र के लड़के इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, पूरी दुनिया घूम कर आकर जब बताते हैं, तो उस वक्त मुझे कैसा लगता है तुम क्या जानो? बचपन में जिस गांव में रहा वो मेरे लिए अमेरिका था। वहाँ के खेत, आम के बागीचे, लीची के बागीचे और गाय भैंस, उस वक्त वो सब अच्छा था। अमेरिका, व्हाट अ स्वीट कंट्री, जिसका मैं ठीक से नाम भी लेना नहीं जानता था। वही अमेरिका आज जब मुझे अपने पास बुलाना चाह रहा है, तो वहाँ जाने से मना करने वाला मैं कोई पागल नहीं हूँ। अंकल प्लीज। एनी हाउ, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। बहुत देर हो गई है। ओके बाय बाय। महादेव जरा एक मिनट रुको। क्या हुआ? तुम्हारा फोन, तुम अपना फोन भूल गए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। महादेव। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। अगर तुझे शुरुआत में ही थप्पड़ लगा देती ना,
तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। अगर दोबारा यहाँ आई ना तो काट कर फेंक दूंगी। दफा हो यहाँ से। जाने के लिए कह रहा हूँ, दफा हो। माया, 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 प्लीज प्लीज डोंट गेट एंग्री, कम ऑन। इसे मारा ना, माफी मांगो। दिखाई नहीं दे रहे, पैर कब्र में लटके, ऊपर से लड़की चाहिए। इसके बारे में कुछ मत बोल, शी इज माय फ्रेंड, गर्लफ्रेंड। रख लो, जितनी चाहो तुम रख लो, और जो भी करना चाहते हो कर लो, हमारा फैसला करके जो करना है करो। फैसला वो भी कर देता हूँ, बीच रोड में हमारी इज्जत उतार रही है ना, देखना एक ना एक दिन डाइवोर्स नोटिस तुझे ढूंढता हुआ आएगा। कम ऑन माया, इस गंदगी से बाहर चलो। ओ, क्या हुआ माया, आज तुम्हारी बॉल मिस क्यों हो रही है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? माया माया, हम दोनों फ्रेंड्स हैं और क्या, ये बीच में शादी की बात कहाँ से आ गई? मतलब तुम मुझे यूएस लेकर नहीं जा रहे हो? डोंट बी ए फूल, मुझे अगर गर्लफ्रेंड चाहिए तो मैं वहीं पर एक वाइट गर्लफ्रेंड रख लूंगा। कंपनी देने के लिए तुम्हें खर्चा करके यहाँ से ले जाऊंगा क्या? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वाओ ग्रेट सर, मैं यूएस जाने से पहले अपने घर में एंट्री करना चाहता हूँ प्लीज। ओके सर, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ओह वन सेकंड, हेलो सर, मैं ट्रेवल एजेंट बोल रहा हूँ, जिस फ्लाइट से आप यूएस जाना चाहते हैं उसी से आपकी वाइफ माया भी जाना चाहती है, टिकट बता दो। व्हाट? ओके कट इट, टेक ओके। हाँ ओके, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ यूएस चलूंगी, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड होंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती। आई सिंसियरली लव यू, आई वांट टू बी योर वाइफ। पागलों सी बात मत करो, मैंने उसी दिन तुमसे कह दिया था कि हम फ्रेंड्स की तरह ही रहेंगे, और तुम हो कि शादी की रट लगाई जा रही हो, हैं? मेरा एक परिवार है, अपनी खुशी के लिए उन्हें अलग नहीं कर सकता। तू क्या समझती है तेरे साथ शादी करके मैं अपना परिवार चलाऊंगा? मतलब तुम उससे शादी नहीं करोगे, यही ना? नो, सवाल ही नहीं उठता। ये ले, तेरे साथ रहने के लिए कंपनसेशन, ब्लैंक चेक फिल कर लेना, बट वन थिंग, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, राइट? गुड बाय। Hey, रुक, ये घर बर्बाद करने के बाद आज तू यहाँ फिर से क्यों आई है? रिलैक्स, बड़े लोगों को ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए। तो क्या तुझसे प्यार से बात करें, तो यहाँ किस लिए आई है? डिवोर्स नोटिस। तुम अपने पति से छुटकारा पाने के लिए डिवोर्स देना चाहती हो, उसके लिए इस पेपर पर साइन करना ही काफी है। ए, चुपचाप बाहर निकल जा। चिल्लाना मत, मैं तेरी माँ से बात कर रही हूँ। अब आप ही बताइए, आपके पति का आपके साथ किसी भी तरह का रिश्ता बचा हो तो बताइए। ये देखिए ब्लैंक चेक है, उन्हें डिवोर्स देने के लिए आप जितनी भी रकम चाहती हैं इस ब्लैंक चेक में भर सकती हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ए, क्या बोल रही है, हम क्या तुझे पैसे के भूखे दिखे हैं? तेरा ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जा, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। तुम्हारे पापा अगर सही होते तो हमें इस जैसी के मुँह नहीं लगना पड़ता। तुझे मेरे साइन चाहिए ना, ला दे। उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं है बेटा, हम कैसे भी जी लेंगे।
हाय स्वीटी, डिवोर्स नोटिस है? अरे वाह, तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तुम्हारी बीवी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ए, तो यहाँ क्यों आई? तुमसे मिलने के लिए ही, क्योंकि मैं तुम्हें देखे बिना रह ही नहीं सकती ना। तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारी स्माइल और ये फेस मुझे बहुत पसंद है, मगर बस तुम्हें देखे बिना रह ही नहीं सकती। गेटअप भले ही तुम्हारी उम्र के हिसाब से ना हो, पर मैं तुम्हें हासिल किए बिना नहीं रहूंगी। ए, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, गेट आउट। तो फिर ये जो डीवीडी है, इसे पुलिस वालों के हवाले कर दूं? इसके अंदर क्या है? हमारी लव स्टोरी। जिस दिन से मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, तभी से ये बनानी शुरू कर दी थी। यू ब्लडी, हंस हंस के बोल कर मुझे उल्लू बना। ए, ला मुझे दे। नहीं करूंगा, नहीं, नहीं दूंगी। ए, माया, माया, बोले थी मुझसे शादी करोगे? मैंने तुझे ब्लैंक चेक किया था ना, वो सीढ़ी से नहीं देगी। मुझसे खेलती है? ब्लडी सीढ़ी दिखा के मुझे ब्लैकमेल करेगी? ब्लैकमेल मेरे साथ फ्रेंडली रहकर? माया, इट्स ओके, ओके। ये माया, अनजाने में हाथ उठ गया। माया, माया, माया। शाबाश अंकल, शाबाश, एकदम अकेले पूरी बोतल, शाबाश। अगर माया भी साथ में होती तो सेटअप बहुत बढ़िया हो जाता ना। अपने परिवार को छोड़ के ऐसी लावारिस जिंदगी जीने के बारे में आपने सोचा था? ये आज का जो जनरेशन है ना, ये इसी तरह की जिंदगी जीने के बारे में सोच रहा है? माया के साथ आप इतने दिन तक घूमे, ये तो ठीक है, उसके लिए मामी को डिवोर्स देकर उस माया से शादी। कल दीपावली है, भगवान राम और माता सीता के लौटने पर लोग दिए जलाकर खुशियां मनाते हैं, और आपने अपने घर में अंधेरा कर लिया। अरे सुनिए तो, क्या हुआ? ये क्या, आप अपना लंच बॉक्स ले जाना ही भूल गए? अरे ला दे। देखिए तो आपको कितना पसीना आ रहा है। पिताजी, पिताजी मैं साफ कर लूंगा, मैं बड़ा हो गया, ये क्या है? तो क्या मैं तुझे थैंक्स भी नहीं बोल सकता है? हाँ।
अरे अरे संभाल के संभाल के। चलिए उठिए। क्या अरे हुआ? पहले उठिए तो सही। जरा वहाँ देखो, देखो हमारे चारों तरफ सब लोग कितने खुश हैं। तो हम लोग उदास क्यों रहे माँ, बताओ ना माँ। माँ माँ रुको ना, ये लो माँ मेरे पार्ट टाइम जॉब की पहली तनख्वाह। पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, घर की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। बस हमेशा तुम्हारे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए माँ। बताओ ना माँ तुम्हें किस तरह की साड़ी चाहिए, बताओ ना माँ मैं लाके दूंगा। कुछ बोलना, पूछ रहा हूँ ना, बताओ ना माँ कढ़ाई वाली चाहिए, बताओ ना लाके दूंगा माँ। सफेद साड़ी लाकर देगा? घर की जिम्मेदारी उठाने वाला इंसान जब अपनी जिम्मेदारी से अलग हो जाए तो वो जिंदा रहे या मर जाए क्या फर्क पड़ता है। ए, तेरी माँ इस तरह से क्यों रो रही है? महादेव आजा 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 बेटे। ए, वो आएगा मैं जानता था, अब आना अंदर आना। ए बेटी सीता अपने पति को बुलाना, अब वो कोई गलती नहीं करेगा, वो हमारी बात मानेगा बेटी। अरे तो यहाँ पर क्या कर रहा है यार? अरे बात ये है कि अरे मेरी जिंदगी में भी बाहर आ गई है, मीट माई गर्लफ्रेंड। हाय बाय। जिंदगी में पहली बार एक लड़की मिली, उसे भी छुड़वा दिया यार। सर, सर, 110 नंबर की गली कहाँ है? कौन सी 110? होती नहीं तो चल यार। अरे कौन सी गाड़ी है? मरी नहीं हूँ। मैं मर गई हूँ, ये तो भगवान की कृपा थी कि मुझे जीवन दान मिल गया। सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरी छाती दबने से सांसें लौट आईं। मेरी सांसें चल रही हैं ये जाने बिना ही तुमने मुझे उठाकर पानी में फेंक दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी,
कि मुझे बचाने के लिए वहाँ दो लोग मौजूद थे। आपको जिसने पानी में फेंका उसे हम जान से मार देंगे, उसके लिए कितना देंगी? कितना चाहिए? ओह गॉड, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। लेकिन अब मैं खूनी बनने वाली। ए, उस तरफ चल के देखते हैं। जब तुम मेरा खून करने से नहीं हिचकिचाए तो अब मैं क्यों हिचकिचाऊं? माया, मुझसे अनजाने में हो गया। अनजाने में कैसे हो गया? हम अनजाने में सोए? डार्लिंग कहकर मेरे साथ अनजाने में रहे क्यों? जब सब कुछ खत्म हो गया तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो? ओ, माया, मेरी बात सुनो माया। सॉरी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। फिनिश हिम। पूरा हो गया। माया, मुझे कुछ मत करो, माया प्लीज। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बाय। नहीं 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 माया, नहीं। बुद्धा कहीं का। अंकल! ओह शिट! सर प्लीज, प्लीज, बेल बांध दीजिए सर प्लीज। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? चलो ना सीता, हम अपने घर चलते हैं। सर कुछ नहीं होगा सर प्लीज, प्लीज सर। अब आराम से बैठिए अंकल। चलो हम अपने घर चलते हैं। आपके सर में चोट लगी है, अब आराम कर लीजिए अंकल, प्लीज प्लीज अंकल, मेरी बात तो मानिए। सुनिए सर, आप आराम कीजिए, ज्यादा कुछ मत बोलिएगा प्लीज। देख ना बेटा क्या कह रहे हैं, आप ले जाइए। मुझे कुछ नहीं, आराम करने के लिए कहा है, प्लीज आप ले जाइए। सॉरी सर, हम बस तुम्हारे अंकल के प्राण बचा पाए हैं, लेकिन उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए आंटी, अंकल को यूएस ले जाकर उनका इलाज कराना और उन्हें ठीक करके लाना ये मेरी जिम्मेदारी है। इन्हें संभालो प्रिया। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, प्लीज अंकल, आप बैठे रहिए, आप आराम कीजिए, अंकल शांत रहिए। अच्छा ठीक है, जो करना है। सब लोग जिस लिबर्टी स्टैच्यू को नीचे से देखते हैं उसके ऊपर से मैं गुजरूंगा। अमेरिका जो सब पर हुकूमत चलाना चाहता है वो मेरे कदमों के नीचे होगा। आई एम फ्लाइंग टू अमेरिका।